लाल संग राधा गोरी हो नंद लाल संग राधा गोरी सकल जगत की अनुपम जोड़ी सकल जगत की अनुपम जोड़ी शोभावनी विशाल की शुभ आरती की मदन मुरारी की शुभ आरती की मोहन मदन मुरारी की शुभ आरती की थार कपूर लोबाती कंचन थार कपूर लोबाती जगमगाती ज्योति लाला की कदम भाती ज्योति लाला की बालक मदन गोपाल की शुभ आरती की मोहन मदन गोपाल की शुभ आरती की रे सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे भाव सहित जो आरती गावे भाव सहित जो आरती गावे बस वैकुंठ परम पद पावे बस वैकुंठ परम पद पावे मिले के पान दलाल की शुभ आरती की माधव मदन गोपाल की शुभ आरती की नंद यशोदा के लाल की शुभ आरती की नंद यशोदा के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितम नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धो च सखा तुमेव तुमेव विद्या विडम तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव अच्युतम् के
केशवम रामे नारायण कृष्ण दामोदरम देवल्लभम श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे। सद्गुरुदेव भगवान की भागवत महापुराण की गोविंद भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। नगर बस्ती की जय हो। राम के सभी देवी देवताओं की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठकर बड़े ही शांति भाव से गुरुदेव के वचनामृत को सुनकर अपने मनोस्तर को सार्थक करेंगे। ये सत्संग का अवसर जीवन में बार बार प्राप्त नहीं होता है और सभी भक्त YouTube और Facebook के माध्यम से भी इस कथा को श्रवण कर सकेंगे। नरेंद्र मोहन तिवारी जी आप सर्च करेंगे और गुरुदेव के वचनों को रसपान कर सकेंगे। जय हो। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नाशय विघ्न लीत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जन की सिदास के प्रभु श्री सीताराम। भगवत अनुरागी बंधुओं सिद्धा सनेमय माताओं बहनों भगवान की यह भ्रमण भावनी गौरव गाथा का चतुर्थ दिवस आप सभी राधा माधव की कृपा के पात्र हैं। आइए वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम भगवान के मंगलमय नाम का हम सभी कुछ क्षणों के लिए स्मरण करें। इसके बाद ज्ञान गंगा के पावन प्रवाह में गोते लगाएंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 सीमा के बिहारी नदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है जय हो।
के बिहारी दिलाल मेरो है, श्री वाओ के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, जय हो वृंदावन को धामिनी को ब्रज को विश्रामिनी को, वृंदावन को धामिनी को ब्रज को विश्रामिनी को, ओ श्यामा और श्यामिनी को मंदिर आनंद को, ओ श्यामा और श्यामिनी को मंदिर आनंद को, राधा कृष्ण कुंडिनी को संतन को संगिनी को, राधा कृष्ण कुंडली को संतन को संगिनी को, यमुना को नीरनी को रेणुका की खाननी की स्वादनी को कंद को, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, जय हो। जय हो। हो मानुष हो तो वही रसिका, हो मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रिज गोकुल गाँव की ग्वार, ओ बसों ब्रिज गोकुल गाँव की ग्वाल, हो जो बस हो तो कहा बस मेरो चरण नंद की धेनु मझार, पाहन हो तो वही गिर को जही धारो कर छत्र पुरंदर कारण, ओ जो खगी हो तो ये हो बस रो करो मिले काल तिकूल कदम की डार, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बोल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार यशोदानंद देव की नंदन यदुकुल कमल दिवाकर लीला पुरुषोत्तम यादवें श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की है। प्रतिभाग में मूर्ति श्रीमद भागवत महापुराण श्री बालकृष्ण लाल की भावमयी उपस्थिति, श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति, गंगा यमुना तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी संगम कामतानाथ बांके बिहारी गिरिराज महाराज, समस्त देवी देवताओं के अनुग्रह कृपा से हम सभी ये भागवत कथा रूपी अमृत का श्रवण लाभ ले रहे हैं।
कथा के जो मुख्य यजमान श्री रामबिलन गोस्वामी जी, श्रीमती बिमला गोस्वामी जी और उनके समस्त बाल गोपाल परिवारीजन और उनके पड़ोसीजन और कॉलोनी निवासी, भगवान की महति दिव्य अनुकंपा कृपा के कारण हम सभी यहाँ बैठकर के उनके नाम की महिमा का श्रवण लाभ ले रहे हैं। उसी क्रम में आज चतुर्थ दिवस के मध्याह्न बेला के समय में बैठकर के हम सभी कल के प्रसंग पर जहाँ विश्राम दिया था वहीं से पुनः कथा प्रारंभ करेंगे। कल की कथा का विश्राम भगवान बावन की चरित्र पर हुआ था। बावन बनकर के भगवान महात्मा बलि के यहां पधारे। बलि ने स्वागत किया था, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवाम ते। हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। बावन भगवान ने केवल तीन पग भूमि की याचना की, तीन पग भूमि बस। महात्मा बलि ने जो है पहले तो भगवान बावन से परिहास किया, आप कहो तो आपकी शादी करा दे, आप कहो तो आपके लिए ये व्यवस्था कर दे, वो व्यवस्था कर दे। पर बावन भगवान ने सब बातों को स्वीकार नहीं किया, बस कहा तीन पग भूमि दे दो। संकल्प हुआ और संकल्प में महाराज एक पग से तो महाराज ब्रह्मांड को नाप लिया। ब्रह्मा जी ने भगवान के शरण को देखा और धो करके जल कमंडल में रख लिया। उसी से कालांतर में गंगा मैया प्रकट हुई। गाते नहीं अपन लोग, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, वही भगवान बावन का चरणोदक। और दूसरे पग से धरती के लोक नाप लिए और तीसरा पग अभी रह गया बाकी। भगवान बावन कहते हैं, राजन बताओ ये तीसरा पग कहाँ रखूं मैं, तीन पग का आपने संकल्प लिया था तो ये तीसरा पाँव मैं कहाँ रखूं। लेकिन बलि कोई साधारण नहीं है। बलि भी कहता है, महाराज ये बताओ धन बड़ा होता है या धनी, धन बड़ा होता है या धनी, कौन बड़ा होता है, धन धन बड़ा नहीं होता, बड़ा तो धनी होता है। अभी मैं शेष रह गया हूं, सब कुछ तो नाप लिया आपने पर मैं रह गया हूं, तो तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दो गोविंद। मेरे गोविंद बलि के भाव को समझ गए और उसके प्रेम के बंधन में बंध गए। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। अपने आप को समर्पित कर दिया। करोद यद यद सकलम परस्मै नारायणा इति समर्पयेतः। हमारा कर्म भी भगवान को अर्पण हो रहा, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो तो जीवन मंगलमय हो जाता है। केवल कर्म ही चढ़ाओगे भगवान को, शायद भगवान तुम्हारे कर्म पर ना रीझे। तुम जैसे हो वैसे ही उसके सामने खड़े हो जाओ, बस बात बन जाएगी। भगवान प्रसन्न हो गए। बलि प्रदान मांगो, क्या चाहते हो। बलि राजा कहते हैं, प्रभु मैं प्रत्येक परिस्थिति में आपका दर्शन करना चाहता हूँ। जितने मेरे चौक है जहां से मैं निकलूं और प्रत्येक दरवाजे पर आपका दीदार हो, दर्शन हो। भगवान बोली, आपको मतलब तो यो भाव, बस सीधे से तुम्हारा चौकीदार बन जाऊं। दरवाजे पर कौन खड़ा होता है, चौकीदार नाथ, वो बात नहीं है, बस मेरी तो एक अभिलाषा है। कि मेरे घर के आगे कान्हा जय हो, तेरा एक मंदिर बन जाए उससे क्या होगा।
जब खिड़की खोलूं तो तेरा मुझे दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा मुझे दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे मोहन, मेरा घर के आगे मोहन, तेरा मंदिर बन जाए। खिड़की खोलूं तो तेरा मुझे दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। कुछ और नहीं चाहते, नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा, नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। और हम दोनों का कान्हा बस एक ठिकाना होगा, और हम दोनों का कान्हा बस एक ठिकाना होगा। पूजा करेगा कोई हो, पूजा करेगा कोई हो, तेरी पूजा करने में, तेरा पूजा करने में मेरा ये जीवन बन जाए। खिड़की खोलूं तो तेरा मुझे दर्शन हो जाए, ओ खिड़की खोलूं तो तेरा एक दर्शन हो जाए। घर के आगे कान्हा, मेरे घर के आगे कान्हा, तेरा मंदिर बन जाए। खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, हो जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जय हो। दर्शन हो जाए तेरा, दर्शन हो जाए ओ तेरा, दर्शन हो जाए तेरा, दर्शन हो जाए। अरे खिड़की खोलूं तो तेरा मुझे दर्शन हो जाए, ओ खिड़की खोलूं तो तेरा मुझे दर्शन हो जाए। भगवान उसके प्रेम को स्वीकार कर लिए और बलि के दरवाजे पर खड़े हो गए। भक्त कह करके तो देखे, भगवान तो कहते हैं कि करहूं सदा तिनकी रखवारी, मैं पहरेदार बन जाता हूं, उसका रक्षक बन जाता हूं, जीवन की बागडोर उनके हाथों में सौंप करके तो देखो। हमें अपने कर्तव्य पर अभिमान रहता है, हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम रात के सो जाएं सवेरे भगवान की कृपा ना हो तो उठ नहीं सकते हो, कुछ नहीं कर सकते थे। करने कराने वाला तो कोई और है, अच्छा देने वाला भी कोई और है, जो दिन रात दे रहा है। एक राजा थे, सुबह से शाम तक दान करते थे, पर ऊपर नहीं देखते थे, नीचे देखते थे। दुनिया बड़ी विलक्षण है, ऊपर की तरफ देखो तो लोग कहते चार पैसे क्या आ गए, अब नीचे नहीं देख रहा, ऊपर ही ऊपर देख रहा, और नीचे दिखे तो कर्म ही ऐसे करे, ऊपर देख ही नहीं सकता है। बोलो भागे बिहारी, जीने नहीं देते लोग। संसार का क्या, तो बोलना काम है, बोलना स्वतंत्र है, कुछ भी बोलते रहो। एक महात्मा कथा में सुनाते थे, एक बार भगवान शंकर चले जा रहे थे
पार्वती मैया को नंदी बाबा के ऊपर सवार होकर चले जा रहे थे, तो लोगों ने टोकना प्रारंभ कर दिया। देखो तो सही हो, शर्म नहीं आ रही है? दो आदमी बैठे बैल के ऊपर, शंकर जी को अच्छा नहीं लगा, उतर गए नीचे। पार्वती से बोले तुम चढ़ जाओ। बोले बाबू पैदल चलने लगे। आगे और लोग मिल गए, बोले देखो अपने पैदल जा रहे, घरवाली को देखो सिंहासन पर बिठा कर ले जा रहे, ये भी चक्कर ही है। और आगे गए, तुम भी उतर आओ नीचे, संसार के लोग जीने नहीं देते। मैया उतर आई नीचे, बोले बाबा पार्वती मैया नंदी बाबा चले जा रहे। लोगों ने कहा देखो कैसे पागल है, सवारी साथ में लिए हैं और पैदल चले जा रहे। बोले बाबा ने कहा ठीक नहीं कहा। नंदी बाबा से बोले काम करो, इस संसार है इसका काम कुछ ना कुछ बोलने का है। ऊपर देखो तो समस्या, नीचे देखो तो समस्या, बीच में देखो तो समस्या है, लोग जीने नहीं देते। पर भगवान के जो भक्त हैं वो चिंता नहीं करते। उनको केवल चिंतन की जरूरत रहती, चिंतन करते हो, चिंता नहीं करते। हमें चिंता नहीं उसकी, हमें चिंता नहीं उसकी, उसकी नहीं और किसी की भी नहीं। हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। हमारी नाम का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। तो क्या करें साहब, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं। न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। उसकी इच्छा में इच्छा मिल जाए, जीवन सफल हो जाए। थारो नचायो नाचू रे मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू रे। भगवान के चरणारविंद में मौज ही मौज है। राजा बलि ने भगवान को अपने बंधन में बांध लिया और भगवान दरवाजे पर खड़े हो गए पहरेदार। सवेरे देखे तो भगवान खड़े, शाम को देखे तो भगवान खड़े। लक्ष्मी माता को चिंता हो गई है, लक्ष्मी माता नारायण की खोज में दौड़ पड़ी। नारद जी बोले अब आजकल वो नौकरी पर लग गए, पहरेदारी करने लग गए। तो कैसी नौकरी है, आने नहीं देते? बोले आने आएंगे। लक्ष्मी माता सावन के महीने में महाराज बलि के दरवाजे पर आई है। रक्षा बंधन का त्योहार उस दिन से प्रारंभ हुआ। पहली राखी मैया लक्ष्मी ने बलि की कलाई पर बांधी। इसका प्रमाण क्या है? पंडित जी पूजा कराते हैं ना सुबह, कलावा बांधते तो मंत्र बोलते हैं, ए नविद्धो बलि राजा दानविंद्रो महाबला। जैसे लक्ष्मी मैया ने बलि को बांध लिया था, हमने भी तुम्हें बांध लिया। लो साहब इस बंधन में बन जाओ, उस कच्चे धागे में, प्रेम के सूत्र में। भगवान को जैसे बलि ने बांधा था, ऐसे ही हम तुम्हें सूत्र में बांध रहे। सूत्र बांधने का मतलब ये है रक्षा सूत्र। आज भी वो दुहाई दी जाती है, जैसे लक्ष्मी माता ने बलि को बांधा था, ये ना विद्धो बलि राजा। लक्ष्मी मैया आई, राखी बांधी, बलि बहुत खुश हो गए, मेरे कोई बहन नहीं है, चलो कोई तो आया। बोलो बहन जी क्या चाहिए आपको? राखी की बधाई। और रक्षा बंधन का त्योहार बड़ा पवित्र त्योहार होता है भाई बहन का, और हर एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भैया के लिए मंगल कामना करती है कि मेरा भैया ठीक रहे, मेरी भाभी ठीक रहे। तो भैया भाभी भी खुशी से कुछ ना कुछ तो उसको देते नहीं देते? क्या चाहिए तुमको? लक्ष्मी जी कहती तेरे बाल बच्चे खुशी रहे, भैया तू भी खुशी रहे, मोई कछु ना चाहिए। ना ना तुमने राखी बांधी है तो मांगो कुछ जी, देना चाहती हो तो सुनो।
जो तुम्हारा चौकीदार है वो ही दे दो हमें बुलबा के बिहारी लाल की जय हो। हमारे ब्रिज में एक छोटा सा भजन बड़े प्यार से लोग ब्रिजवासी गाया करते हैं। कि छोटे भैया तेरे द्वार कि बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। पहले भी आ जाती पर क्या करूं बेदर्द तेरे जीजा जी। भगवान की तरफ इशारा कर रही हूं खड़े ना। बेदर्द तेरे जीजा जी करते हैं अपनी राजी। बेदर्द तेरे जीजा जी करते हैं अपनी राजी। बिना बताए कहीं भी चले जाते हैं। ओ मैंने विनती करी हजार बहना बड़ी दूर से आई। ओ मैंने विनती करी हजार बहना बड़ी दूर से आई। ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आए। जय हो राधे। भैया मेरी ये इच्छा भैया मेरी ये इच्छा बंधवाए ले हाथ में रक्षा। ओ भैया मेरी यही इच्छा बंधवाए ले हाथ में रक्षा। भैया मेरी ये इच्छा बंधवाए ले हाथ में रक्षा। ओ भैया मेरी यह इच्छा बंधवाए ले हाथ में रक्षा। जय हो ऐसा समय न बारंबार बहना बड़ी दूर से आई। ऐसा समय न बारंबार बहना बड़ी दूर से आए। कस बांध लयो है माया में हाथ गयो है बलि जच जच राज गयो है। माया ने हाथ गयो है बलि कस कस बांध लयो है। माया ने हाथ ग्रसो है बलि हर रस हास जसो है। ओ भैया हो ये भैया मांगू पहरेदार बहना बड़ी दूर से। भैया मांगो पहरेदार बहना बड़ी दूर से आए। ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आए।
बली को छल कर ले गई छली को, जब आया होश बली को छल कर ले गई छली को। ओए तो ओए तो जादूगर नीनार बहना बड़ी दूर से आई, ओए तो जादूगर नीनार बहना बड़ी दूर से आए। ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। ओ बहना बड़ी दूर से आई, 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 बहना बड़ी दूर से आई। लक्ष्मी मैया ने जैसे बलि की कलाई पर राखी बांधी और बलि से कहा कि पहरेदार दे दो, महात्मा बलि समझ गए एक कोई और नहीं, अब आया होश बलि को छल कर ले गई छली को, छलिया को छलने के लिए आई है। सही सही बताओ तुम मेरी बहन तो नहीं, मेरे पहरेदार को मांगने वाली कोई साधारण नहीं हो सकता। लक्ष्मी माता प्रकट हुई, हाथ जोड़ ले भैया, आप जानते हो ना मैं नारायण के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, तू सर्वस्व ले ले सब कुछ ले ले पर मेरे गोविंद को छोड़ दे। बलि हाथ जोड़कर कहता है मेरे प्राणों को ले लो पर इनको मत ले जाओ, इनके बगैर हमने भी जीना नहीं सीखा है। लक्ष्मी माता और नारायण दोनों ने बलि को समझाया है और सुतल लोक का राज दे दिया। एक रूप से भगवान बलि के हां और दूसरे रूप से वैकुंठ चले आए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ये भागवत के अष्टम स्कंद की कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे। सत्यव्रत राजा की नाव की रक्षा करने के लिए भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया और धीरे धीरे सुखदेव स्वामी कहते राजन नवम स्कंद में भगवान सूर्य का जो वंश है सूर्य वंश, और सूर्य वंश इतना बड़ा है यदि वंशावली का वर्णन करें ना तो एक महीना लग जाए, इतना बड़ा वंश सूर्य वंश। इस राजा के वो हुए फिर उनकी कहानी फिर वो राजा, ऐसे समझो जैसे भगवान सूर्य है ना प्रकट होते हैं तो सारी पृथ्वी का अंधकार नष्ट हो जाता है। जहां तक भगवान सूर्य का प्रकाश जाता है ऐसे भगवान सूर्य के वंश का विस्तार है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन सूर्य वंश की कथा सुनाना इसलिए जरूरी है जिस वंश में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आए। अच्छा राम कथा भागवत में दो अध्यायों में ज्यादा नहीं विस्तार से, लेकिन राम कथा के बगैर कृष्ण कथा अधूरी मानी जाती है। मर्यादा का चश्मा आंखों पर होगा तभी आपको कृष्ण चरित्र समझ में आएगा, नहीं तो जगह जगह प्रशंका होगी। ऐसा है कृष्ण का चरित्र, इसलिए मानस की कथा, मानस हमें जीना सिखाता है। रामचरितमानस जीव को जीने की कला सिखाता है और भागवत मृत्यु को मंगलमय बनाती है। बोलो बांके बिहारी लाल जय हो। तो भगवान श्री राम के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सूर्य वंश को प्रारंभ करते हैं। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं राजन नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पाराशर, पाराशर के श्री व्यास जी, पुनः ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य और सूर्य से वैवस्वत मनु और वैवस्वत मनु के सुद्धम हुए, उनके पुत्र नाभाग हुए और नाभाग के वंश में ही अमृत जी का प्रादुर्भाव हुआ। मूल गोविंद भगवान की जय हो।
और महात्मा अम्बरीश इतने प्रभावी थे, इतने भगवत भक्त थे कि इनके राज्य की सुरक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र जो है सेवा में रख लिया। बहुत प्यारी कथा है भगवान अम्बरीश जी की। महात्मा अम्बरीश के यहाँ एक बार दुर्वासा ऋषि पधारे। एकादशी का व्रत था, पूरा हुआ और संत आ गए। अम्बरीश जी ने सोचा कि बिलो संत आ गए और व्रत का जब पारायण हो, कोई महात्मा आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई अपना पूज्य आ जाए, तो ही व्रत का पारायण लोग करते हैं। आने में थोड़ा विलंब हो गया। किसी ने कहा महाराज द्वादशी तिथि ना निकल जाए, तो ब्राह्मणों ने कहा एक चरणोदक ले लो भगवान का, आपका पारायण हो जाएगा। अम्बरीश जी ने तो कहा कि अभी ब्राह्मण को मैंने निमंत्रण दिया है और किसी को निमंत्रण घर में करो तो पहले उसको भोजन कराओ, बाद में भोजन करना चाहिए, शास्त्र ऐसा आदेश करता है। तब जब चरणोदक ले रहे थे, इतने में तो दुर्वासा आ गया। खबरदार राजन, ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के स्वयं हम तुम्हें श्राप देते। तो दुर्वासा ऋषि ने कृत्या प्रकट कर दी। अब कृत्या प्रकट कर दी तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने कृत्या का वध कर दिया, मार दिया उसको। और सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे पीछे दौड़ने लगे और दुर्वासा ऋषि त्रिभुवन में घूम करके आ गए भगवान नारायण के पास में गए। नारायण कहते भैया अपनी भी ताकत नहीं है। बोले सुदर्शन को शांत करो। बोले हमारी कोई ताकत नहीं। बोले क्यों? अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। मेरा अपराध कर देते तो शायद मैं तुम्हें क्षमा भी कर देता, पर मेरे भक्तों का जो कोई अपराध करता है तो मैं उसे क्षमा नहीं करता हूं। भगवान का कि जो अपराध भगत कर करही और राम रोष पावक सोज रही। अरे भक्त को छेड़ोगे तो भक्त रो देगा और उसका मालिक सुनेगा तो तुम्हें जड़ से खो देगा। इसलिए भगवत भक्त का अपराध कभी जीवन में करना नहीं चाहिए। भक्तों से छेड़छाड़ी की आपने तो परमात्मा आपसे रुष्ट हो जाएगा। कि सुन सुरेश रघुनाथ सुबाहु निज अपराध रिसाए न काहू। सुबाहु भगवान दुर्वासा ऋषि आए अम्बरीश से प्रार्थना की, बाबा राजन हमें क्षमा करो, अपराध हो गया। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे राजा अम्बरीश, हे सुदर्शन, मैंने कभी संत और भगवंत में अंतर ना माना हो तो आप शांत हो जाओ। सुदर्शन शांत हो गए। ऐसे महात्मा अम्बरीश अम्बरीश के यहाँ मानधाता हुए। एक एक प्रतापी राजा है, एक एक चरित्र ऐसा है कि इसको कथा महीनों तक सुनाते रहो। और हम तो कहते हैं भागवत की कथा 7 दिन में नहीं 27 दिन में भी पूरी ना हो। बोलो वहां के बिहारी जय हो। भागवत की कथा इतनी विशाल है। कैसे लोग दुनिया के प्रपंच की बात कर लेते, भागवत हम तो देख देख करके रह जाते हैं। इतनी कथा है कि भगवान की कथा ही पूरी नहीं होती। लोग संसार की व्यथा सुनाते हैं भागवत में। आजकल प्रचलन हो गया, चलन हो गया। राजनीति की बात करते हैं, व्यास मंच पर बैठ करके लोगों की बुराई करते हैं। ये मंच केवल भगवान की कथा सुनाने के लिए बना है। ये हंसी परिहास का मंच नहीं है। पर चलन चल गया है लोगों का। फालतू की बात सुनाओ, बढ़िया उल्टी सीधी बात करो, हंसी मजाक करो, चुटकुला करो तो गुरुजी बहुत अच्छे हैं साहब, और तुम्हारी कमी तुम्हें बता दे तो गुरुजी खराब है साहब। हाँ, कमी बताने वाला तो कोई बिरला ही मिलेगा। तुम्हारी प्रशंसा कोई कर देगा, 2-5 हजार रुपए दे दोगे तो झूठी प्रशंसा कर देगा। पर ये मंच किसी की झूठी प्रशंसा के लिए नहीं, ये तो ठाकुर की गुणगान गाने के लिए मंच बना हुआ है। इस मंच पर बैठकर केवल भगवत भजन करना चाहिए, भगवत चर्चा ही करना चाहिए। और जो नहीं करते उनको इस लोक पर लोक दोनों लोकों में दुख ही दुख मिलेगा। हम नहीं कहते ऐसे, संत कहते हैं। बुलवा के बिहारी लाल जय हो। भगवत भजन के लिए मंच बना हुआ, इस मंच पर ठाकुर की चर्चा होनी चाहिए। अम्बरीश
के वंश में ही आगे चल करके मान महाता हुए हैं। तो शंकु हरिश्चंद के पुत्र रोहित हुए, आगे चलकर के वंश में हरित चंपक बाहु और उन्हीं के ही वंश में सगर हुए। सगर महात्मा सगर ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। कितने? 60,000। यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ के घोड़ा को जो है देवराज इंद्र चुरा करके ले गए और कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। सगर के पुत्र खोजते खोजते महात्मा कपिल के दरवाजे पर गए। चोरी की वस्तु जहां बरामद होती ना, लोग उसी पर शंका करते। अरे महात्मा, तुम्हें घोड़ा लाना था तो हमसे मांग कर ले आते, यज्ञ का घोड़ा लेकर के आए हो। कपिल महात्मा समाधि में बैठे हुए थे, समाधि खुली और संत के कोप का भजन बन गए। सगर के 60,000 पुत्र राग की ढेरी के रूप में पड़ने लगे। श्राप लग प्रार्थना की महात्मा सगर ने, मेरे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा। महात्मा कपिल कहते, तुम्हारे वंश में यदि कोई गंगा लाए धरती पर, गंगा मैया की कृपा से ही तुम्हारे पुत्रों का उद्धार होगा। उन्हीं के पुत्र आगे चल करके उन्हीं के वंश में महात्मा भगीरथ हुए। पहले दिलीप ने तपस्या की, गंगा नहीं आई, फिर महात्मा भगीरथ ने तपस्या की है। गंगा मैया ने स्वप्न में दर्शन दिया, मैं आऊंगी तो सही, मेरे वेग को सहन कौन करेगा। भोले बाबा से प्रार्थना की, भोले बाबा कृपा करो। शिव जी ने गंगा मैया को अपनी जटा में समाहित कर लिया। गंगा का नाम जटाशंकरी पड़ गया। जटाशंकरी नाम परयो है त्रिभुवन तारण आई। शंकर की जटा में समाहित हो गई गंगा। महात्मा भगीरथ ने पुनः प्रार्थना की, भोले बाबा अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा को लेकर के आया हूं, कृपा करो। भोले बाबा ने कृपा कर दी, गंगा की धाराएं तीन हो गई। एक आकाश में चली गई, एक पाताल में चली गई, एक भूतल पर बह गई। गंगा का नाम त्रिपथगामिनी गंगा, विष्णुपति भगवान विष्णु के चरण से निकली हुई गंगा। ऐसी गंगा मैया गौमुख से होकर के धीरे धीरे चली आई, बद्रिकाश्रम की तरफ आई तो वहां एक जाह्नवी नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। जाह्नवी ऋषि की कुटिया को बहा करके गंगा ले गई। ऋषि को क्रोध आ गया, गंगा का वेग इतना प्रबल है, पानी भले थोड़ा हो उसमें लेकिन तीव्रता कितनी है। महात्मा जाह्नवी उसको पान कर गए गंगा मैया। पीछे मुड़ करके देखा, महात्मा भगीरथ गंगा नहीं आ रही। जाह्नवी से प्रार्थना की, महात्मा इसको कृपा करवा। महात्मा जाह्नवी ने अपने योग बल से गंगा को प्रकट कर दिया है और धीरे 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 गंगा मैया इस भूतल पर चली आई। गंगा के नाम को 100 कोस से यदि कोई स्मरण करता है तो उसके पाप ताप नष्ट हो जाते। गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरु हरे। गंगा पाप को धोती है और ससीताप को धोता है। चंद्रमा ताप को शीतल करता है, गंगा पाप को नष्ट करती है। लेकिन याद रखना, जान बूझ करके पाप करोगे तो गंगा नहीं धोएगी, अनजाने में किए हुए पाप को ही गंगा धोती है। गंगे गंगे यो भूयात योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापे भ्यो विश्वलोक सगच्छति। गंगा का नाम 100 कोस से लो ना तो गंगा स्नान का फल मिल जाता है। गंगे तव दर्शनात मुक्ति, देखा होगा नमामि गंगे, गंगे तव दर्शनात मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति संभव है। कथा तो कवितावली रामायण में गोस्वामी जी ने लिखी है कि देव नदी को जो जन जात,
गंगा स्नान करने के लिए जो चलते हैं ना देवता, उसके लिए पूजा की सामग्रियां इकट्ठा करना प्रारंभ कर दे। एक गंगा नहा करके आ रहा है, इसकी पहली पूजा हम करेंगे। देवताओं की स्त्रियों में झगड़ा होते हैं, देख चले झगड़े सुर नारी, हम करेंगे पूजा के साज विरंच रचे। ब्रह्मा जी उसकी पूजन की तैयारी करते हैं, मैं कराऊंगा इसकी पूजा। ये जब भगवान के धाम में आएगा ना, सबसे पहले मैं इसकी पूजा करूंगा। क्यों? गंगा स्नान करके आ रहा है, गंगा मैया के स्नान का ये महत्व है। बिलोकत गंग तरंग तुम्हारे, ओ किन हरि लोक परी। गंगा स्नान करके जो जीव आते हैं उसके लिए ओक माने होता संस्कृत में मकान, ओक मकान, मकान की नींव उस दिन भगवान के धाम में उसके लिए पड़ जाती है, नींव के पत्थर। भगवान कहते हैं एक फ्लैट बनाऊंगा, गंगा स्नान करके आता मेरे बगल में रहेगा। कितनी महिमा है गंगा की। ओ किन हरि लोक परी, बिलोकत गंग तरंग तुम्हारे। गंगा के दर्शन मात्र से कर लिया। तो बड़े प्रेम से हम लोग एक मिनट गंगा का नाम तो स्मरण कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। तो ले लो गंगा का नाम, दर्शन से स्मरण से स्नान का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। बोलो गंगा मैया की जय हो। सी गंगा मैया, कैसी गंगा मैया। गंगा के किनारे पर जाओ और सब शीतल सुगंधित जो हवा चलती है ना शरीर में लगती है तो हमारा दुनिया भूल जाती है। बस लगता है बस यहीं बसे रहो, कहीं मत जाओ। ऐसी गंगा मैया की लहर है, तेरी लहर मन भाई मैया। सी गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, सी गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, तेरी गंगा मैया मैया गंगा मैया जय हो। ओ गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, गंगा मैया। ताली ऐसी बजाई जाती, बता दूं आपको, हाथ ऐसे दोनों किए पर ऐसे बजा। अबे पड़ोसी के कोई नुकसान हो जाए ना तो लोग घर में अकेले में ताली बजा, अच्छा होगा, ठीक होगा। और भगवान को नाम आ जाए तो बड़ा संकट से पड़ जाए। पंडित जी बार बार ताली बजवावे, और ताली बजाने से है ना हाथ की मैया लोग हमारे पास है, पंडित जी हाथ देख रहे हो हमारे, हाथ में कछु ना आए, ताली बजाओगे ना बिगड़ी रेखा बन जाएगी, हम गारंटी लेते हैं। बजाओ ताली। सी गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, बजाओ तेरी लहर मन प्यारी। हो मैया तेरी लहर, हो तेरी लहर मन भाई, गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, गंगा मैया तेरी लहरे मन भाए। जय हो। हरी क्षेत्र हो सुकर क्षेत्र को, सुकर क्षेत्र को धाई। हरी क्षेत्र हो कुरु क्षेत्र हो, सुकर क्षेत्र को धाई मैया। हरी क्षेत्र हो सुकर क्षेत्र हो, कुरु क्षेत्र हो जाए। प्राग राज यमुना में मिलके जय हो, हो जय हो।
की भेंट ले आई गंगा मैया तेरी लहर बनवाई सी गंगा मैया तेरी लहर कसाई भारत भूमि पावन भूमि तर गए अदन कसाई ओ भारत भूमि पावन भूमि तर गए अदम कसाई ओ भारत भूमि पावन भूमि तर गए अदम कसाई जय हो महात्मा भगीरथ के पीछे पीछे गंगा आई है तीर्थ राज प्रयाग से होते 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 मगध के क्षेत्र में पहुंच गई जहां सगर के 60,000 पुत्र राग की ढेरी के रूप में पड़े हुए थे। गंगा का स्पर्श हुआ, ताप साप मुक्त हो गए और भगवत धाम के अधिकारी बन गए। ऐसी गंगा भाई इन्हीं के वंश में आगे चलकर के महाराज उनके बेटा हुए श्रुत और श्रुत के पुत्र हुए सिंधु। सिंधु नाभि नाभि से सिंधु हुए और सिंधु से हुए द्वीप आयु ऋतुवर्ण सर्वकाम सुदास कलमस्करी मूलक नारी कवच दशरथ और एडविट। एडविट के पुत्र विश्वसाह और उनके पुत्र हुए खटवांग। खटवांग दीर्घ बाहुश्या इन्हीं के वंश में हुए राजा रघु और रघु से ही रघुवंश प्रारंभ हुआ है। और भगवान श्री राम 39वीं पीढ़ी में आए रघुवंश में।
इनके पुत्र हुए आज रघु के, और रघु के पुत्र हुए दशरथ जी महाराज। दशरथ महाराज, दशरथ की तीन पत्नियां हैं, कौशल्या माँ, केकई और सुमित्रा। बड़ा ही सुंदर स्थान है जिसको कहते हैं अवध, जहां पर कहीं कभी किसी का वध ना हुआ हो वह जगह है अवध। आइए हम लोग अवध में प्रवेश करें, भगवान श्री राम की मंगलमय कथा सदा श्रवण करें। कि अवधपुरी रघुकुल मणि राम वेद विदित तहां दशरथ नाओ। अवधपुरी कुल मणि राम वेद विदित तहां दशरथ नाम। अवधपुरी अयोध्या के राजा दशरथ कैसे हैं? ओ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पाणी। देखो बड़ी विलक्षण बात है, कोई धर्मात्मा हो वो ज्ञानी हो जरूरी नहीं, और ज्ञानी हो और भक्त हो ये भी जरूरी नहीं। और दशरथ जी के जीवन में सब कुछ है, ज्ञान है, भक्ति है और वैराग्य है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कोई धर्मात्मा होता है, गोस्वामी जी ने शब्द को प्रयोग किया है, धर्म करने वाले, धर्म को करने वाले धुरंधर बुलबांके बिहारी लाल की जय हो। कोई धनुर्धर होता है ना, कोई योद्धा होता है, कोई धर्म करने वाला भी, धर्म में धुरंधर है दशरथ जी। कैसे धर्म धुरंधर गुण निधि, गुण के निधि है और ज्ञानी भी। और साहब और क्या क्या है? बोली हृदय भक्ति मत सारंग पाणी, हृदय में भक्ति है भगवान सारंग पाणी की, कोई चीज की कमी नहीं, आनंद है। आज बैठे हुए थे सोचने लगे हम चल करके देवराज इंद्र से मिल करके आए, देवताओं से मित्रता थी बहुत बड़ी। दशरथ जी चले जाते थे स्वर्ग में, गए मिल करके वापस आए। केकई मैया ने पूछा आप रोज जाते हो स्वर्ग में तो वहां से कुछ लाया करो। अब माताओं का तो स्वभाव होता है कोई पति कहीं दूर जाए ना तो अपना रख देती है वो, वहां से कोई बढ़िया वाली चीज ला, खाने वाली होगी तो खाने की लिस्ट बताएं, पहनने वाली बनारस जाए तो बड़ी साड़ी ले आई बढ़िया है ना, ऐसी माताओं को सुबह। तो कैसे कहके मैया ने कहा स्वर्ग से हमारे लिए पारिजात पुष्प ले आना बुलबांके बिहारी लाल जय हो। दशरथ जी गए और भूल गए शायद, तो उन्होंने सोचा रोज टोकती है और आज मैं लेकर नहीं जाऊंगा तो दिक्कत पड़ेगी ना, चलो चलते हैं वापस। स्वर्ग में गए तो वहां देवताओं ने उस सिंहासन को पहुंच पहुंच करके जल से धोकर के बढ़िया पवित्र कर रहे थे। दशरथ जी पहुंच गए, बोले भाई क्यों ये साफ सफाई क्यों, और कोई विशिष्ट आदमी आ रहा है? बोले महाराज विशिष्ट नहीं आ रहा है, जो साफ साफ सफाई वाले कर्मचारी होते ना, बड़े लोग तो छुपा भी लेते बात को बना भी लेते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता होते वो निकल ही जाती बात। बोले महाराज बुरा ना मानो ना, आप सिंहासन पर बैठे थे ना इसलिए सफाई हो रही। बोलो वहां के
दशरथ जी कहते इसका कारण बताओ आखिर क्यों। बोले इसलिए कि तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है और ऐसा लोग मान रहे कि आपके घर में बेटा बेटी नहीं, इसलिए सिंहासन को लो साहब हो गई गिलानी जीवन। यही तो गिलानी, और जीवन में हर एक व्यक्ति को गिलानी होती है, और जब जब गिलानी हुई जिसके जीवन में तो वहां कुछ नया, कुछ नई क्रांति हुई, कुछ नया, नई उन्नति हुई। हुई कि नहीं हुई बताओ। गिलानी का भी बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। बलवान के बिहारी लाल की जय। कोई तुमसे कुछ कह दे तो बुरा मत मानो, आत्मगिलानी मत करो। गिलानी हो भी जाए तो किसी डॉक्टर के पास में इलाज कराने के लिए जाना है? नहीं, डॉक्टर के पास गिलानी का इलाज नहीं होता है। गिलानी का इलाज तो गुरुदेव के चरणों में होता है। बलवान के बिहारी लाल की जय हो। गिलानी जब भी जीवन में हो अपने गुरु के चरणों में बैठकर के दुआसू बहा लेना, समस्या का समाधान हो जाएगा। बस कुछ कहने की जरूरत नहीं। कथा सुनो, दशरथ जी को गिलानी हो गई। तो एक बार भूपति मन माही ओहे गिलानी मोरे सुत नाही, मेरे घर में बेटा नहीं। बस देर नहीं लगाई तो गुरु ग्रह तुरंत गयो महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। चरणों में बैठ कर के रोने लगे दशरथ जी, गुरु जी ये मेरी समस्या है। और गुरु जी भी कैसे है कि निज सुख दुख सब। गलती हम लोगों से यहां होती है, सबसे पहले जाकर के हम अपने गुरु जी के सामने अपना दुख रो ले। गुरु जी क्या करें, गुरु जी क्या करें, गुरु जी क्या करें। सुख कोई नहीं बताता है, सुख कोई नहीं कहता कि हम इतने सुखी हो गए, भगवान ने इतना दिया है हमको। डर लगता है कहीं गुरु जी ना मांग ले, गुरु जी ना मांग ले सुख। तो लोग बताते नहीं, सुख नहीं बताते, दुख जरूर बताते। क्या करें गुरु जी, इतने घाटा हो गया है, पहले से रोना चालू कर। रोएंगे तो फिर गुरु जी मांगेंगे नहीं, ऐसी ना, इसलिए कहते हैं। लेकिन दशरथ जी ने ऐसा नहीं किया। गिलानी हुई तुन्नी जिस सुख, गुरु जी बहुत कुछ है भगवान की कृपा से, आपकी कृपा से कोई चीज की कमी नहीं है। बात करने का तरीका भी तो होता है, पूछने का एक तरीका होता है। तो वशिष्ठ जी बोल पड़े, जब कोई चीज की कमी नहीं तो फिर क्यों टेंशन में हो? बस एक ही चीज की कमी है गुरु जी, मोरे सुते नाही, मेरे घर में बेटा है। बस। और गुरु जी कैसे धन्य है वो गुरुदेव भगवान, एक की बात करते हो। किधर हो धीरी हुई है सुत चारी, त्रिभुवन बिदते भगत भय हारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन बिदित भगत भय हारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, एक नहीं दो नहीं, सिया राम जय जय राम, चार हो गए। श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुभियज्ञ करावा, पुत्र काम सुभियज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरू कर लीनी, प्रगटे अग्नि चरू कर लीनी, प्रगटे अग्नि चरू कर लीनी। जाओ अग्निदेव प्रकट हो गए, चरू लेकर के यज्ञ का इस फल को ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला दो, भगवान की कृपा हो जाएगी। गुरुदेव भगवान ने यज्ञ कराया, पुत्रेष्टि यज्ञ, फल को लेकर के आए दशरथ जी, तीनों रानियों को बांट दिया। और छोटी वाली रानी के फल को
कोई चील ले गई उड़ा करके। माता अंजना भगवान भोलेनाथ का स्तवन कर रही थी, वह फल मैया अंजनी की गोद में गिरा। माता अंजनी ने सोचा भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है, उस उसको ग्रहण कर लिया। तो हनुमान जी महाराज आ गए, छोटी वाली रानी को फल नहीं है, उदास है। बड़ी वाली ने कहा इसमें से आधा फल आप ले लो, बीच वाली ने कहा इससे आधा फल आप ले लो, बांट दे दिए। जो बांट करके खाए वो महान होता है, बलवा के बिहारी लाल की जय हो। जो बांट करके खिलाता है उसके घर में राम और भरत जैसे पुत्र पैदा होते हैं। जो अपना ही अपना सोचता है, अपना ही पेट भरता है, इसका भी मिल जाए उसका भी मिल जाए, तो वहां तो रावण पैदा होंगे बलवा के बिहारी लाल की। ध्यान रखो, हम लोग पढ़ तो लेते पर समझ नहीं पाते हैं, रामायण खूब पढ़ते हैं। बांट करके जो खिलाएगा उसके घर में राम जी आएंगे, और जो संग्रह करते जाएगा किसी को नहीं देगा दूसरे का छीन लेगा, तो वहां रावण पैदा होंगे। समय बीता, राम जी को आने का था ना, तिथियां अनुकूल हो गई। धीरे 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 भगवान कब आते हैं, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। भगवान राक्षसों को मारने के लिए कम आते हैं, तो भक्तों को सुख देने के लिए आते हैं। यशोदा मैया ने तपस्या की पूर्व में, तो कन्हैया बनकर के आ गया। कौशल्या मैया ने और दशरथ जी ने तपस्या की पूर्व में, तो राम बन करके आ गए। आने का समय हुआ, चैत्र का महीना, सारी तिथियां सब खड़ी हो गई भगवान के सामने। मुझ में प्रकट हो जाओ, मैं फला हूं, मैं ढका हूं, मैं पंचमी हूं, मैं अष्टमी हूं, मुझ में प्रकट हो जाओ। पहले कोई अच्छा काम नवमी को लोग नहीं करते थे, नवमी को रिक्ता मानते थे, नवमी तिथि रिक्ता है। बेचारी चुपचाप खड़ी थी साइड में। राम जी ने कहा जो नहीं बोलता मैं उसे पकड़ लेता हूं, उसे अपना लेता हूं। अपना अपना महत्व जो बता रहा है कि मैं ऐसा हूं, अपने मुख से अपनी करणी का जो गान करता है लोग समझ जाते हैं धरातल मजबूत नहीं है। अरे क्या बताना है, तुम अपने बारे में कुछ मत बोलो, सत्कर्म करते रहो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बन जाएंगे। बोलबा के बिहारी लाल जय हो। अपने बारे में मत बताओ हम ये हैं हम वो हैं, पता अपने आप चल जाता है। राम जी ने स्वीकार किया नवमी को। बाबा लिखते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, उस तिथि को नमन जिस तिथि में भगवान आए। कौन सी तिथि है वो, बोले नवमी। और नौ का अंक पूर्णांक होता है, पढ़ाते ना सर जी लोग, और नौ की दुनिया पढ़ो तो लौट लौट करके नौ ही आता। अपने यहां पढ़ते ना नौ नौ दुनी बारह, क्या बोला अठारह, आठो एक आठो एक। कैसी असमंजस में पड़ जाते, कौन क्या पूछ लिया, सब भूल गए, कुछ भी याद नहीं रहा, सब भूल गए। जब तक गुरु जी डंडा मारते रहे तब तक याद रहा, सब भूल जाते। नौ नौ दुनी अठारह, नौ तीय सत्ताईस, सात दो नौ चौको तीनों छह, नौ पना चार पांच, नौ छक्का। हम पढ़ाने नहीं बैठे, हम तो बता रहे हैं। घूम घूम के नौ ही आएगा, नौ ही आएगा घूम के। भगवान कहते नौ का अंक पूर्णांक है, इसलिए नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी को स्वीकार कर लिया मेरे राम। और शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता, भगवान श्री राम दोपहर के ठीक 12 बजे भैया कौशल्या के आंगन में। अच्छा, राम जी का जन्म हुआ क्या अवतार,
भगवान जी का अवतार हुआ है कि जन्म हुआ है? अवतार हुआ है? नहीं हुआ है, बताओ। भगवान का ना तो कभी जन्म होता है, या भगवान का अवतार नहीं हुआ है। गोस्वामी जी ने कुछ और लिखा है कि भाई प्रगट कृपाला, प्रगट हो गए जब अभी तक दर्शन नहीं हो रहे थे ना, अब भगवान ने भक्तों को दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। बोलवा के बिहारी लाल की, मेरे राम जी प्रकट हो गए, बड़ी सुंदर झांकी है। कैसे प्रकट हुए? हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए, मैया के सामने खड़े हो गए चतुर्भुज रूप धारण करके। कौशल्या मैया ने कहा प्रकट हो गए तो हम स्तुति तो कर ही ले कम से कम, है ना, फिर पीछे की बात बाद में करेंगे, पहले स्तुति कर ले। वैसे हमने इस रूप में आपको नहीं बुलाया था, बताओ दुनिया क्या कहेगी, कैसा बालक का जन्म हुआ है, ये तो कपड़ा पहन करके पैदा हुआ है। कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हित कारे हर सिद्ध महतारी, मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारे, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारे, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारे। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विध करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमारा, वेद पुराण धनंता, करो आसुख सागर सब गुण आगर, जही गा वही श्रुति संता, सोम महित लागी जनो अनुरागी, वायो प्रगट श्री कलता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम प्रति वेद कहे, मम और सोवासी यह उपहारी, सुनत धीर मति फिर न रहे, ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कील चहे, कहे कथा सुहाई मात बुझाई, जिह प्रकार सुत प्रेम गहे, माता मुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा की जे प्रिय सीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि वचन सुजाना रोदन थाना, भय बालक सुर भूपा, यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भवकूपा, ओ विप्रधेनु सुन संत हित लीन मनुज अवता, हो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अच्छा भगवान किसी के कहने से आए नहीं, आए ना, किसी के बुलाने पर आए, मानस में लिखा निज इच्छा, अपनी इच्छा से भगवान ने अपना शरीर धारण किया है, प्रकट हो गए। निर्मित तनु माया गुण गोपा, वह मायापति आज माया से अपने आप को प्रकट कर लिए हैं, माया गुण गोपा प्रकट होकर के सामने खड़े हो गए। कौशल्या मैया कहती है प्रकट तो हो गए आप और छोटे हो जाओ, हमने तो बाल रूप के लिए आराधना की थी ना, छोटे बन करके आना हमारे घर। देखन चाहूं बाल सुख, बच्चा बन करके आओ ना। भगवान बोले ठीक है,
अब मैया ने कहा ये आज्ञा दी तो बनना ही पड़ेगा, तो छोटे से हो गए भाई बालक सुर भूपा, छोटे से हो गए मेरे राम जी छोटे से। कौशल्या मैया कहती है थोड़ा सा रो लो, वो भी नहीं कल रोने का। भगवान कहते हम ब्रह्म हैं और ब्रह्म कभी रोता नहीं है मैया, दुनिया रोती है हम रोने वाले नहीं हैं, तो भगवान है। कौशल्या मैया कहती चाहे भगवान ही क्यों ना हो आपको रोना पड़ेगा, ये दुनिया में आए हो तो रोना ही पड़ेगा। राम जी बोले आदत तो नहीं है, बोले बना लो रोना पड़ेगा। क्यों? भक्त की भावना को समझ गए भगवान। एक भक्त कह रहा है भगवान से कि रो, वो दीन बंधु दीनानाथ उसने भी संकल्प कर लिया कि मेरे रोने से तुमको जो आवे हंसी तो रो रो के तुमको रिझाया करूं, तो रो रो के तुमको रिझाया करूं। हम रोते रहेंगे मैया तो सुन बचन सुजाना और रोदन ठाना। राम जी ने ठान लिया कि मेरी मैया ने मुझसे कहा मैं रो रो। बताओ राम जी का चरित्र उठा लो। अयोध्या वासियों से वियोग हुआ, भरत लाल की दशा पर भगवान रोए, गीदराज जटायु की दशा पर रोए, जानकी के विरह में रोए, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो भी रोए, विभीषण जी की दशा पर रोए। ऐसे दयालु नाथ भगवान श्री राम मैया के आंगन में प्रकट हो गए कि सुन शिशु रोदन परम प्रिय वाणी और संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी कि हर्षित जहां तहां धाई दासी। दासियां दौड़ पड़ी, समाचार मिला बड़े वाले महल में एक बालक का जन्म हुआ है। दौड़ पड़ी, खुशी का माहौल सा पूरी अयोध्या में। कौन करता है परिस्थिति का वर्णन? हर्षित जहां धाई दासी आनंद मगन सकलपुर वासी, खुशी का माहौल साहब अयोध्या। एक दासी दौड़ करके गई, बोली महाराज बीच वाली रानी के भी एक बालक हुआ है। दशरथ जी की खुशी का ठिकाना नहीं, क्या कैसा चाहत उठन मति धीरा, परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाए बजा बहु बाजा। मंगल गीत गाने लगे, देवता आकाश से दुबियां बजाने लगे, पुष्पों की वृष्टि होने लगी, भगवान प्रकट हुए हैं। अयोध्या की नदियों में अमृत की धाराएं बहने लगी, विघ्नों ब्राह्मणों की अग्निहोत्र की बुझी हुई अग्नियां प्रज्वलित हो गईं, बिन मौसम के महाराज वृक्षों में फल आ गए, मेरे राम आए हैं। बहार आ गई है कि जन्म लियो मेरे रघुराई, कि जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई। ओ अवधपुरी में बहार आई, ओ जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई। हो अवधपुरी में बहार आई, thank you।
कौशल्या बड़ी भागी, मात कौशल्या बड़ी भागी, सुमित्रा जी की सुमति जागी, सुमित्रा जी की सुमति जागी, राम लखन दोनों भाई, राम लखन दोनों भाई, अवधपुरी में बहार आई, अवधपुरी में बहार आई, जन्म लियो मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई, अवधपुरी में बहार आई, गोपाल मेरे नैनों की ज्योति है, मेरे नैनों की ज्योति है, ओ मेरे नैनों की ज्योति है, ओ मेरे नैनों की ज्योति, ओ तेरी छवि देख मेरे मन भाई, तेरी छवि देख मेरे मन भाई, अवधपुरी में बहार आई, अवधपुरी में बहार आई, हमारे ये अखिलेश्वर प्रसाद खरे जी है, माँ परम ज्योति के अनन्य उपासक, सिद्ध ज्योति सेवा संस्थान जबलपुर से जुड़े हुए हैं और बहुत पुराना हमारा इनका संपर्क है, संबंध है, और ये छतरपुर में निवास है, अखिलेश्वर प्रसाद खरे जी और उनकी श्रीमती जी, और भगवान से स्नेह रखते हैं और हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बोल बांके बिहारी लाल की। अवध में बहार है, अवधपुरी में बहार आई है, माताओं का तांता लगा हुआ है और महाराज दशरथ के आंगन में खुशी का माहौल, जो सुनता है दौड़ पड़ता है और राजा दशरथ जो है सर्वस्व दान लुटा रहे हैं, सर्वस्व दान दीने सभी काहू, सर्वस्व दान दीने सबका हो, जही पावा राखा नहीं ताऊ, ओ जही पावा राखा नहीं ताऊ, सर्वस्व दान दीने सबका हो, सर्वस्व दान दीने सबका हो, जही पावा राखा नहीं ताऊ, ओ जही पावारा खाने का, बांट रहे दोनों हाथों से उन्मुक्त होकर के, अरे अयोध्या वासियों ने इतना लुटाया, इतना लुटाया, इतना वैभव लुटाया, किसी को मालूम चला दशरथ जी सर्वस्व दे रहे हैं, लोग कह रहे अरे अब भागो,
इन हीरा मोतियों के चक्कर में काहे को पड़ रहे हो। रघुकुल में तो एक मणि आई है, मणि को देख करके सारे वैभव को तिनके की तरह लोगों ने रास्तों में फेंक दिया और अयोध्या के सफाई कर्मचारियों ने झाड़ू लगा लगा करके इकट्ठा कर दिया। वहां मणि का पर्वत हो गया, आज भी है ना मणि पर्वत अयोध्या में। बलवान के बिहारी लाल की जय हो। रघुकुल मणि आई है तो वैभव का करना क्या है? बड़ा ही आनंद है अयोध्या में। पाओ बीनी बधाइयां बज रही हैं, लोग गा रहे हैं बजा रहे हैं, बधैया बाजे आंगने में, और धीरे धीरे भगवान का नामकरण संस्कार हुआ है, बड़े हुए हैं। और वशिष्ठ जी आए, भगवान श्री राम का नामकरण संस्कार किया है। रमन्ते योगिनो अस्मिन, योगी लोग जिसके नाम पर रमण करेंगे इनका नाम राम होगा। जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। राम कहने पर जीवा को शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है, आराम मिलता है। एक पुत्र का नाम भरत रखा, भरत। भरत का मतलब क्या? भारत। राम भक्ति से रहित जो हृदय है उसमें राम की भक्ति को जो भर दे उसी का नाम तो भरत है। बोलो मां के बिहारी लाल की जय हो। जाके सुमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। धरे राम गुरु हृदय बिचारी, गुरुदेव भगवान ने चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दिया। सज्जनों समय जाते देर नहीं लगती, भगवान थोड़ा सा और बड़े हुए हैं। नामकरण संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार हुआ। अयोध्या की गलियों में भगवान भ्रमण करने लगे, घूमने लगे। पढ़ने के लिए गुरुदेव भगवान के पास में गए हैं। गुरु जी ने सोचा कि जाके सहज श्वास सुति चारी, और सोहरी पढ़े ये कौतुक भारी। जिसकी सहज श्वास सुतियां वेद वेदांत निश्चित होते हैं वो भगवान आज पढ़ने के लिए आए हैं। तो अल्पकाल विद्या सब विद्या निधि को विद्या दे दी, विद्या निधि को विद्या दे दी। पढ़ करके आए, उधर मारीच और सुबाहु विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा डालते हैं। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मन हि न निश्चर पापी, हरि बिनु मर निश्चर पापी। गाधी तनय मन चिंता, विश्वामित्र जी को चिंता हो गई है। आ गई याचक बनकर के महाराज दशरथ के सामने, मैं निप याचन आयो तो ही असुर समूह सतावह मोही। जय हो। तो क्या चाहिए आपको? मांगा हो भूमि धैनु धैनु को सा, मांगा हो भूमि धैनु धन को सा, सर्वसुदेव आज सहरो सा।
सर रोस। कहो क्या चाहिए आपको? सेना भेज दूं, चतुरंगनी फौज पलटन? नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। एक काम करो, हम तुम्हारे बच्चों को लेने के लिए आए हैं। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद में हो सना था। महाराज दशरथ कहते हैं, ये तुमने ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया। मेरे प्राण मांगो तो दे दूं आप। द्रेह प्राणी सम प्रिय कछु नाही, राम देत नहीं बनत गुसाई। मेरे राघव को तुम मांग रहे हो, उसके बगैर मैं जी नहीं सकता हूं। बहुत समझाया, प्राणों से भी कोई प्रिय चीज होती है क्या? लोग कह देते ना बात बात में, तुम तो प्राणों से भी प्यारे हो। प्राणों से प्रिय कोई चीज होती नहीं है, और किसी से कहना भी नहीं इस बात को कि आप प्राणों से प्रिय हो। ऐसा कहोगे ना तो शायद प्राण बुरा मान जाए, तो हमसे भी प्यारा कोई तुम्हें मिल गया तो हमें छोड़ो। बुरा नहीं मानते प्राण, प्राणों से प्रिय कोई चीज नहीं है। अभी प्राणों पर बन जाए तो लोग अपना सर्वस्व निछावर कर देते, दाव पर लगा देते सब कुछ। देह प्राण सम प्रिय कछु नाही, क्या मांग लिया है आपने? ब्रह के समुद्र में महाराज दशरथ डूबने ही वाले थे, तो गुरु कर्णधार बन करके आ गए हैं। वशिष्ठ जी समझा रहे, बाबा तुम टेंशन मत लो, परेशान मत हो, भेज दो बच्चों को। कि तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, समझा दिया। कौशल्या मैया के चरणों में प्रणाम किया भगवान श्री राम ने, और तुरंत वहां से निकल गए। चले जाते मुनि दीन दिखाई, रास्ते में विश्वामित्र जी ने जब देखा कि इतना वियोग इनके माता पिता ने किया, छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर के, कोई अनर्थ तो नहीं कर रहा हूं, इन्हें भी मोह बढ़ गया। दशरथ जी ने एक बात कही कि तुम्हें मुनि पिता आन नहीं को, आज से मैं अपने बच्चों को आपके हवाले करता हूँ, सौंपता हूँ, आज के बाद आप इनके माता पिता हो। तो माता पिता का तो मोह बच्चों पर होता ही है, तो विश्वामित्र जी का मोह बढ़ गया। राम जी ने कहा, गुरु जी ये बगिया में सुंदर फूल लगे हैं, ये सरोवर है, सरोवर में कमल के फूल लगे हैं, तो कमल के फूल तोड़ने के लिए जब राम जी जाने लगे, तो विश्वामित्र जी के मन में वो प्रेम उमड़ आया, राघव अंदर मत जाना, पानी बहुत गहरा ना हो। राम जी ने लीला दिखाई कि बाबा को मोह हो गया। कैसी लीला की? तो ताड़का आई है, चले जाती मुनि दीन दिखाई, सुने ताड़का क्रोध कर धाई। जय हो। क्रोध कर करके ताड़का सामने भगवान श्री राम के आई, और भगवान ने एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण से ताड़का का प्राण हर लिया। और दीन जान तहि निज पद दीना, राम धाम को भेज दिया ताड़का। विश्वामित्र जी को संदेह दूर हो गया, ये साक्षात नारायण है। समस्त आयु सौंप दिए। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। यज्ञ करो गुरुदेव भगवान,
मारी चो सुबाहु जो है यज्ञ में बाधा डालने लगे। मेरे राम जी ने छोटे छोटे से धनुष से एक एक बाण से एक का तो उद्धार कर दिया और एक को बिन फर वाला बाण मारा तो सतयोजन का सागर पारा समुद्र के किनारे पर पहुंच गया मारीच और अपनी देवी अपनी इष्ट की आराधना में लग गया। उसने लोग कहते हैं बंबई जो है उसी की बसाई हुई है, मुंबा देवी जो है ना वो मारीच की इष्ट देवी है। सतयोजन का सागर पारा समुद्र के किनारे जाकर के गिरा। अब विश्वामित्र जी ने के यज्ञ को पूर्ण करके मेरे राम जी आज एक चिट्ठी आई है, इससे पूर्व अहल्या का भी उद्धार किया मेरे राम जी ने। जनकपुर से एक चिट्ठी आई है, धनु से यज्ञ सुने रघुकुल ना था, धनु से यज्ञ सुने रघुकुल ना था, हरस चले मुनिवर के साथ, हरस चले मुनिवर के साथ, चले जा रहे गई जहां जगे पावन गंगा, चले जहां जग पावन गंगा, चले जाते लक्ष्मण मुनि संगा, चले जाते रघुवर मुनि संगा, हो गए जहां जग पावन गंगा, हो गए जहां जग पावन गंगा मैया के किनारे गए तो गंगा के महत्व को समझाया है और स्नान करने के बाद भगवान श्री राम और लखन गुरुदेव भगवान के साथ में धीरे 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 वेग विदेह नगर निर्याया, विदेह नगर में प्रवेश कर गए। महाराज जनक को पता चला है और जनक जी अगवानी करने के लिए आए हैं विश्वामित्र जी को और राम जी की और लखन की झांकी को देख करके मन मयूर नृत्य करने लगा, सोचने लगे मैंने प्रतिज्ञा तो की पर मेरी बेटी के लायक तो यही सांवरा, क्या करें। पर मन नहीं माना, विश्वामित्र जी से पूछ लिया, कहो नाथ सुंदर दो बालक, इन बच्चों को लेकर के आए हो ना आप, इन बच्चों का मुनि कुल तिलक किनप कुल पालक, मुझे लगता है शायद आपके कुल खानदान के तिलक वारिस हो कि किसी राजा महाराजा के राजकुमार हैं, कौन है। विश्वामित्र जी कहते हैं कौशलेश दशरथ के जाए और महित लाग नरेश पठाए, राजा जनक ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं और दशरथ जी ने मेरे हित के लिए मेरे यज्ञ को पूर्ण करने के लिए दोनों को मेरे साथ भेजा है। राम जी की सुरत को निहारते निहारते इनके नैन थकते नहीं है, सुंदर आसन दिया है गुरुदेव भगवान। राम जी से सवेरे टाइम बोलते हैं कि जाओ पूजा के लिए थोड़ा सा पुष्प लेकर के आओ, पुष्प चयन करने के लिए भगवान श्री राम और लखन दोनों भाई पुष्प वाटिका की तरफ जा रहे हैं। ये मानस का सबसे प्यारा प्रसंग इसलिए मैं इसको सुनाता हूं, वैसे राम कथा दो अध्यायों में ज्यादा नहीं है पर राम जी अपने इष्ट हैं और इष्ट की कथा करना तो भाई बनता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, तो जानकी का विवाह तो करके फिर आगे की कथा बताएंगे आपको। ये रामायण का ललित प्रसंग है, सबसे अच्छा वाला प्रसंग है। भगवान श्री राम गुरुदेव भगवान की पूजा के लिए पुष्प चयन करने के लिए पुष्प वाटिका की तरफ जा रहे हैं। वो बाटिका भी कैसी है, बाटिका साधारण नहीं है,
वाटिका का भी वर्णन गोस्वामी जी ने मानस में किया है। ऐसा बाग जो राम जी जिस बाग को देख कर के प्रसन्न हो जाए, राम जी का मन प्रसन्न हो जाए, उस बगिया का वर्णन कौन करे। बगिया में बसंत ऋतु घूमती रहती है, मानस में वर्णन करते गोस्वामी जी। लागे बिटप मनोहर नाना, जय हो बरन बरन बरवेल बिताना, बोलती को किली की चकोरा, बोलती को किली की चकोरा, बोलत को किलकी चकोरा, कूजत विहग नठते कले मोरा, कूजत विहग हो कले मोरा, बोलत को किलकी चकोरा। लागे विटप बगिया में कौन कौन आया है, तहां बसंत ऋतु रहे लुभाई। भूपे बागे बरे देखो जाई, बगिया की सुंदरता वर्णन करते। कूजंतम मधुराक्षे, कई कोयलिया बैठी है और कहीं पर तरह तरह के पक्षी कलरव कर रहे, कहीं मयूर, कहीं वृक्षों में तरह तरह की बेलियां लटक रही हैं। उस वाटिका कितनी सुंदर है, जो फूल खिले नहीं थे वो भी खिल गए। अरे आज नहीं खिलेंगे तो कब खिलेंगे, राम जी आए हैं। अद्भुत श्रृंगार है बगिया का। अब बाग के दरवाजे पर भगवान श्री राम पहुंच गए, चारों तरफ देख रहे, बड़ी प्यारी चौपाई। बाबा कहते हैं चहू दिसी चितई पूछी माली गन, जय हो चारों तरफ देख रहे भगवान। ये बगिया है किसकी, कोई तो धनी होगा इसका मालिक होगा। अभी हमारा कन्हैया होता ना तो किसी से पूछता नहीं, एंट्री कर लेता बगिया में प्रवेश कर। पर राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, कोई भी ऐसा काम नहीं करते, वो दरवाजे पर खड़े हैं। भाई पूछ तो ले भाई, दूसरे के गांव में आए हैं, क्या पूछते हैं। चौधरी से चीताए पूछे माली गन, चौधरी से चीताए पूछ माली गन, माली गनों से पूछा। जनाना बाग है, बदेह राजनंदिनी का बाग है, इसलिए वहां पर माली नहीं है बल्कि मालिनियां हैं। बुलवां के बिहारी लाल माँ जानकी, अली माने सहेलियां, गण माने समूह, माँ धन अली धन गन, माली गन माता जानकी की सहेलियां हैं। राम जी पूछ रहे क्यों जी हम बगिया से फूल लेकर के आ जाएं। सखियों ने कहा बाबा अब पहले तो ये बताओ आए कहां से हो, अपना एड्रेस बता दो हमें कहां से आए हो। तो राम जी कहते हैं भाई हम आए अयोध्या से आए। सखियां अपनी भाषा में पूछती हैं, मैथिली भाषा में, कि ये हो पथिकी बल कहाँ तेरो शुभ घर, कहो निज पिताजी के नाम धनु धरिया,
कहो निज पिताजी के नाम धनु धरिया। हे धनुषधारियो अपना नाम बताए दो। भगवान श्री राम कहते हैं कि पूरब दिशा में तो है जनकपुर, कि पश्चिम दिशा में एक अवध नगरिया से, और राजा दशरथ महिपाल है मलनिया, कि तिनके सुत हम बंधु चारों भाई बारे, राम लखन मम नाम है मलनिया। मालिनियों ने कहा इतनी दूर से आए हो आप? हाँ, अति दूरी देश वासे प्रिय हो ललन वासे, और किम आए जनकी के धाम धनु धरिया। हे धनुषधारियो इतने दूर से आप यहाँ आए हो, कैसे आया ना हुआ? भगवान श्री राम कहते हैं हमारे गुरुजी है ना, तो अपने गुरुजी महाराज सालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, तो फूल लेने के लिए आए, फूल चाहिए पूजा के लिए। तो सखियां कहती तुम और फूल तोड़ोगे, हमें तो नहीं लगता कि फूल तोड़ पाओगे, क्योंकि आपके शरीर इतना सुकोमल है, इतने आप नाजुक टाइप के हो कि आप फूल तोड़ ही नहीं सकते हो। कि फूले वासे कोमल हवे तो हरा बदन वासे, अरे किम तोड़ी हो फूलवा कठोर धनु धरिया। तो धर हो तन के धीर सहे ना दुसह पीर, आन दे हो फूलवा कठोर धनु धरिया। हे धनुषधारियो फूल हम ला करके आपको दे देते। राम जी बोले हमारे गुरु जी की पूजा है, और पूजा जो है किसी से करानी नहीं चाहिए, स्वयं करनी चाहिए। हाँ, पूजा के लिए किसी की ड्यूटी नहीं लगाना चाहिए कि हमारे बल्दी तुम कर ले। कोई ये नहीं कहता हमारे बल्दी तुम खा ले, बुलवांके बिहारी लाल की, खाना तो हम खाए। बताओ कोई कहता है हमारे बल्दी तुम व्रत रह जाओ? ले साहब, पूजन के लिए स्वयं पूजा करानी चाहिए, करनी चाहिए। राम जी कहते नहीं, हम अपने हाथों से फूल तोड़ेंगे तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे हमारे। सखियां कहती नहीं तोड़ सकते आप फूल। कि जनक जी की बगिया में एक महात्मा गाते थे, मैं वहां से आए थे जनकपुर से, तो उनकी पंक्ति है कि जनक जी की बगिया में लाल पीले फूलवा अजी फूलवा खिले हैं हजार, कहो तो तोड़ लादू बबुआ, कहो तो तोड़ लादू बबुआ, हो कहो तो तोड़ लावो बबुआ, कहो तो तोड़ लावो बबुआ। जनक जी की बगिया में लाल पीले फूलवा, लाल पीले फूलवा फूलवा खिले हैं हजार, कहो तो तोड़ लादू बबुआ, कहो तो तोड़ लादू बबुआ, कहो तो तोड़ लादू बबुआ, कहो तो तोड़ लादू बबुआ। जय हो तिलक सर्व बिंदु सुहाए, जय हो, आपके माथे से पसीना टपक रहा है, फूल नहीं तोड़ सकते हो। लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, चहु दिस पूछ माली जन, चहू दिस जितय पूछ माली जन, कहो तो तोड़ लादू बबुआ, कहो तो तोड़ लादू बबुआ, ओ कहो तो तोड़ लादू बबुआ, कहो तो तोड़ लादू बबुआ।
बबुआ लादू बबुआ। राम जी कहते ना जी हम किसी के हाथ के फूल स्वीकार नहीं करते, हम तो अपने हाथ से जाएंगे। और धीरे धीरे भगवान गए बगिया में, जो फूल खिले नहीं थे वो भी खिल गए, जो मुरझा गए थे वो भी खिल गए, आज राम जी आ गए। तो राम जी ने फूल तोड़े नहीं तोड़े, हाथ में दोना लिए तो फूल टूट टूट करके अपने आप राम जी की अंजलि में आ रहे हैं। आज तो हमारा जीवन सफल होना है। क्या है हमारा जीवन, खिल जाते हैं धूल में मिल जाते हैं, क्या है फूल की सार्थकता, क्या है। पुष्प कहता है चाहे नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, फूल कहता है मैं भगवान के चरणों की धूल से मिल जाऊं तो मेरा जीवन सफल हो जाए। पुष्प की अभिलाषा, आज फूल जो है अपने आप खिल गए और भगवान फूलों को ले लगे लेन दल फूल मुदित मन। रामायण में कहीं भी ये नहीं लिखा कि राम जी ने फूलों को तोड़ा है। राम जी तो जोड़ने के लिए गए जानकी से नाता, वो तोड़ेंगे क्यों, राम जी का स्वभाव नहीं है। राम जी की कथा लोगों को जोड़ती है और राम जी संसार को प्रेम के बंधन में बांधते हैं। तोड़ने का काम तो दुनिया का है, बोल वहां के बिहारी। और जनक जी के यहाँ जब राम जी के विवाह में भोजन बनाना तो तोड़ने वाला भोजन नहीं बना, हम लोग लड्डू बनवाते कि तोड़ के खाओ, अब आज से तोड़ना चालू हो गया है, अब टूटेंगे, छोरा छोरी टूट जाएंगे, बेटा बेटी अलग हो जाएंगे, घर परिवार अलग हो जाएगा, तो विवाह में लडुआ मत बनवाया कर। हमारे जनकपुर में माता जानकी के यहाँ क्या आपने बताया, आपको दाल चावल कच्चा भोजन, क्यों दाल में जब चावल को मिला लेते मतलब दोनों रिश्तेदार एक दूसरे से अच्छी तरह मिल जाएं तो भी रिश्ते में मधुरता पैदा होगी, बुलवां के बिहारी लाल की जय हो। लड्डू तो फोड़ने वाली चीज है, ऐसा मानते वहां के लोग जनकपुर के। तो राम जी राधा जोड़ने के लिए गए हैं। उसी समय बगिया में माता जानकी को आने का समय हुआ, एक सखी घूमते घूमते आई, जैसे कोई मंत्री मिनिस्टर आते ना छोटे मोटे कर्मचारी आगे पीछे भागते भागते कि नहीं। अब विदेह राजनंदिनी आ रही है, तो विदेही के आने से पूर्व बाग की व्यवस्था देखने के लिए एक सखी गई। एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवारी, राम जी को उसने देख लिया तो तीनों बंधु बिलो के जाई और प्रेम विवश सीता पहे आई। जानकी तुम चलो, एक ऐसी चीज देख करके आई हूं बगिया में बस देखने लायक। उसका मुख जो है बहुत प्रसन्न है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, बांबरी हो रही है वो। क्या देखा है तुमने, बोल तो सही, जानकी पूछ रही है। तो कहती है बगिया में मैं गई ना तो मैं लुट गई हूँ बुलबां के बिहारी लाल, उस सांवरे ने मुझे लूट लिया है। कि धरती नहीं है धीर मेरो मन, धरती नहीं है धीर, बगिया में छलिया ने लूट ली। बगिया में उसका दीदार है, तुम भी चलो। जानकी जी कहती है अरे बाबरी तू तो लुट गई, हमें भी लुटवाएगी क्या, चलो तो सही। सखी के अनुनय विनय पर सीता जी वहां से चल पड़ी, चलो चली आग्र कर प्रिय सखी सोई, और प्रीति पुरातन लख न कोई, पुरानी प्रीति को कौन, प्रिया और प्रीतम दोनों का मिलन बगिया में होने वाला है। गिरजा के मंदिर से प्रणाम करके निकली हैं, हे माँ इस मनोरथ को लेकर के मैं जा रही हूं, मेरा मनोरथ पूर्ण हो। और सखियों ने सीता जी को लता भवन से प्रकट भय तैयो सरदो भाए, लता के झरोखों से धीरे से मर्यादा में है ना धीरे से दिखा दिए, देखो वो जा रहे हैं। ते दो बंधु बिलो के जाई, दोनों भाइयों को जैसे देखा
जानकी जी ने राम जी को देख लिया और राम जी ने जानकी को देख लिया। बस लखन लाल जी की तरफ राम जी इशारा करते हैं, भैया रघुवंशियों का स्वभाव है, रघुवंशन कर सहज सुबाहु, मन को पंथ पग धर ही न काहू। आज मेरा मन चंचल क्यों हो रहा है पता नहीं, सो सब कारण जान विधाता, हमें नहीं मालूम ये तो विधाता ही जाने। सामने खड़ा कर दिया है सखियों ने, सीता जी राम जी को देख रही, राम जी सीता जी को देख रहे, क्या कहे सा उस दृश्य का कौन वर्णन कर सकता है, शक्ति और शक्तिमान दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अब किसकी हिम्मत है कि टोक दे इनको, सखी देख देख करके मुस्कुरा रही और कह रही, व्यंग बोल रही है, राम को देख कर एक सखी ने कहा, क्या विधाता ने जोड़ी रची है सुघर। जय हो। राम को देख कर एक सखी ने कहा, क्या विधाता ने जोड़ी रची है सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे सांवल कुंवर। मन में चिंता बनी रह गई, राम को देख कर एक सखी ने कहा, क्या विधाता ने जोड़ी रची है सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेगी सांवर कुंवर। मन में शंका बनी रह गए, राम को देखी कर सी जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी रह गई। बहुत देर हो गई, एक सखी ने कहा कि पुनिया बहु यही बिरिया काली, ए सखी इसी टाइम कल फिर आएंगे, चलो ना टाइम हो गया। तो चली भवन माँ तो भय माने, जानकी जी को याद आ गया मैया का डर है, ओ लेट हो गई मैं तो। घर जाने से पहले भवानी के मंदिर में गई है और भवानी के चरणों में प्रार्थना करती है कि मैया जो मैं देख करके आई हूँ वही मुझे मिल जाए। बोलवा के बिहारी लाल जय हो। मोर मनोरथ जानहुं नीके, बसहुं सदा और पुर सब ही के। मेरे मनोरथ को आप जानती हो मैया, भली भांति जा। तो गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जनन दामन दुति दाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, और अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। क्या मांग रहे पूजा की ने अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। जानकी का निज अनुरूप क्या है, बहुत प्यारी चौपाई है, निज अनुरूप। भवानी के भवन में जाकर के मैया ने कहा मेरा नाम दो अक्षर का है तो मेरे दूल्हा का नाम भी दो अक्षर को होना चाहिए, न सीता तो मेरे पति का नाम राम हो। मेरी तीन बहन छोटी हैं और जिस घर में जाऊं तो मेरे देवर भी तीन होने चाहिए। बोलवा के बिहारी तो निज अनुरूप, दो नदियां मेरे गांव में बहती हैं, दो नदियां मेरे ससुराल में हो, दो नदियां, एक का नाम कमला दूसरे का नाम बिमला, एक का नाम सरजू एक का नाम घाघरा। निज अनुरूप
जानकी जी मंदिर में आकाशवाणी हुई और देवताओं ने आकाशवाणी कर दी और माता के गले से माला छूट कर गिर पड़ी। बैठ जाओ, बड़ी शांति का दान दो, शांति। जो भी जहां आए धीरे से बैठते जाए। क्या है ना, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। बोलो वहां के बिहारी लाल की जय हो। हम कहां कथा बोल लेते हैं तो भूल ही गए हम। बताओ कहां बोल लेते, क्योंकि जजमान का ध्यान डिवाइड हुआ इधर से उधर से, हमारा भी ध्यान। हम तो आपको देख के कथा कर रहे हैं, तुम सुन भी रहे कि नहीं सुन रहे, और जजमान देख रहे व्यवस्था कौन आया, साडू आयो कि साड़न आई है। बोलो वहां के एक रस रहो, सब कोई आएगा, सब बैठ जाएंगे चुपचाप, सब बैठ जाएंगे, है ना। अब लोग कट गया कनेक्शन, फिर जोड़ने में कितना टाइम लगता है, सर्वर डाउन हो गया। कहाँ बोल रहे थे हम, भवानी के भवन में मैया खड़ी है, भवानी प्रसन्न होकर के गले से माला छूट गई। देवी देवता जब खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनके गले से, उनके शरीर से कहीं से पुष्प गिर जाए, आपकी अंजलि में आ जाए, तो आपका मनोरथ पूरा हो गया। बलवान के बिहारी लाल, पूजा करते करते देवता को फूल चढ़ाओ और चढ़ा हुआ फूल गिर करके आपके हाथ में आ जाए, समझो मनोरथ पूर्ण हो गया। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा रामायण में लिखा है। बिनय प्रेम बस भई भवानी और खसी माल मूरत मुसिकानी। मैया खुश हो गई, मंदिर में आकाशवाणी हो गई। मन जाही राचे मिल ही सोब सहज सुंदर साविरो। मन जाही मिल ही सोबर सहज सुंदर साविरो। स्नेह जानत रावरो करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनसी सहित ही हर्षित अली। सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुण पुण मन मंदिर चली। जान गौरे अनुकूल सियही हरस न जाए कही। मंजुल मंगल मूल बामे अंग फरकन लगे। माताओं का बाम अंग फरके तो शुभ सूचना होती है, पुरुषों का दाया अंग फड़के तो शुभ सूचना होती है। एक दो बार फड़के तो शुभ सूचना होती, ज्यादा फड़के तो डॉक्टर के पास चले जाओ। बोल वहां के बिहारी जय हो। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लगे, मंगल सगुन होने लगे। भवानी के भवन से मैया चली भवन। हृदय राज श्यामल मूर्ति, उस श्यामल मूर्ति को अपने आंखों के रास्ते से राम जी को हृदय में के कमरे में बंद कर लिया। दीने पलक कपाट सयानी बंद कर लिया। क्या देखना है, भवन में गई है, पूरी रात नींद नहीं आई। भैया कल धनुष यज्ञ ना, देश देश के राजा आए हुए हैं, देश देश के राजा, देश देश के राजेंद्र पधारे हैं। क्यों आए, जनक जी ने प्रतिज्ञा की है। जो धनुष जानकी जी ने एक हाथ से दूसरे हाथ उठा करके रख दिया था, उस धनुष को जो तोड़ देगा उसके साथ में मेरी लाडली का विवाह होगा। ये प्रतिज्ञा थी जनक जी। अहंकारी राजा आए हुए हैं, टोलियां बना बना करके, क्या वाणासुर है क्या रावण है, सब बैठे हुए। घोषणा कर दी महाराज जनक ने, उठो धनुष तोड़। जाते हैं धनुष के पास में, कोई हिला नहीं सका धनुष को। कोई जाए कोई छुए कोई गिर जाए। डगहिन शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे।
कामी पुरुष के वचनों को सुनकर के जैसे सती का मन डिगता नहीं है, उसी प्रकार से भगवान शिव का वो धनुष हिल नहीं रहा है अहंकारी राजाओं से। अब राजाओं ने मीटिंग कर ली, बोले आखिर देखो तो सही इस धनुष में है क्या। अब एक एक करके नहीं तोड़ पाए तो सब लोग मिलजुल करके तोड़ दो उस धनुष। एक ने कहा टूट भी जाएगा तो विवाह किसके साथ में होगा। अरे बोले वो तो बाद में देखा जाएगा, ये पूर्ण बहुमत की सरकार बन ना पाए। एक बार बोलो वहां के बिहारी लाल की, एक बार उठो सब लोग मिलजुल करके इस धनुष को तोड़ दो, होगी सो देखी जाएगी। बाबा लिखते हैं ऊपी सहस दस एक ही बारा, ऊपी सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरही ना तारा, लगे उठावन तरही ना तारा, ऊपी सहस दस एक ही बारा, ऊपी सहस दस दस हजार राजा लग गए धनुष के पीछे उठा रहे, पर टर ही न टारा हिल नहीं रहा। दिन भर भूमि सके न छड़ाई, तिनके के बराबर भूमि को किसका नहीं पाए। अब हल्ला मचा रहे जोर जोर से, उठाओ उठाओ उठाओ, पर उठ ही नहीं रहा है। जब काम नहीं होता तो सब चुपचाप बैठ गए टेढ़ा मोकर कर। अब क्या है, अब आए तो हैं गेस्ट बन करके, अब गेस्टों का टेस्ट हो गया। अब क्या है, महाराज जनक कहते हैं कि तज हुआस निज निज गृह जाओ, चले जाओ भाग जाओ यहाँ से, विधाता ने मेरी बेटी का विवाह लिखा ही नहीं है। लिखा न विधि वैदे ही विवाह, चले जाओ जानकी का विवाह नहीं लिखा है। आज मुझे मालूम चला है धरती माता वीरों से खाली पड़ी हुई है। हम तो इस भ्रम में जी रहे थे कि कोई वीर आएगा और मेरी पुत्री के साथ विवाह करेगा, वीर विहीन मही में जानी। आज मुझे मालूम चल, कोई ये कहे कि वीरों से पृथ्वी खाली है, रघुवंशियों का कहीं कोई बालक बैठा हो, रघुकुल की मणि जहां विद्यमान हो, रघुवंशन में जहां कोई हो ही, इस प्रकार के वचन को कैसे कोई सहन कर सकता है। राम जी हैं मणि, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। राम जी रघुकुल की मणि हैं। और मणिधारी सांप देखा होगा आपने, देखा तो किसी ने नहीं, सुना जरूर होगा, बोल बांके बिहारी लाल की। तो मणि वाला सांप जो होता है अपनी मणि को बाहर रख करके विचरण करता है, और यदि कोई उसकी मणि पर आघात पहुंचाए छेड़े तो वो मणि वाला सर्प उसको छोड़ता नहीं है। तो रघुकुल की मणि भगवान श्री राम है, रघुकुल मणि। और लखनलाल जी शेषनाग है फणी, रघुकुल की मणि को महाराज जनक ने छेड़ा तो फणी आघात पहुंचाने के लिए खड़े हो गए। लखनलाल जी खड़े हो गए, कैसी बात कर दी, कांचे घड़े की मिटा रहा हूं फोरी, इस कच्चे घड़े की तरह से ब्रह्मांड को मैं फोड़ सकता हूं, कहो तो ब्रह्मांड को उलट पुलट दूं, उस धनुष को क्या, इसे धनुष तो मैंने बचपन में हजारों तोड़ दिए, इस बूढ़े पुराने धनुष पर तुम्हारी इतनी ममता है, महाराज जनक तुमने इस अनुचित वाणी का प्रयोग किया है, तुम दंड के अधिकारी हो। लखनलाल जी के क्रोध को देख करके दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी माता पर ढगमगाने लगा। धैर्य, जो देश देश के राजा आए थे आपस में व्यंग बोले, देखो तो सही हम इतने बड़े बड़े बलवान हाथियों को पछाड़ने वाले, और छोटे छोटे दुदमुहे बच्चे कह रहे हैं हम धनुष को तोड़ देंगे। तोड़ा बेटा जाओ, पता चलेगी अभी बड़े आए बात करते हो। लखनलाल जी की वाणी को सुनकर के जनकपुर की माताओं का हृदय, भगवान जितने भी पुण्य हमने किए सब लग जाए इनको, और ये छोटे छोटे से बालक धनुष को तोड़ दें और वैदेही का विवाह राम जी के साथ हो जाए। राम जी ने सारे से लखन को बिठा लिया, बैठ उचित समय नहीं भैया, गुरुदेव की आज्ञा नहीं है। देख लिया गुरुजी ने मुहूर्त बढ़िया आ गया ऐसा, जाओ
ही उठो राम भंजो भव चापा, उठो राम भंजन भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, ओ मेटहु तात जनक परितापा, उठो उठो राम भंजो भव चापा। उसको तोड़ो। अब विश्वामित्री का कहना था तो राम जी कैसे उठे पता है आपको? सहज ही चले सकल जग स्वामी। भगवान को कोई राग नहीं, कोई रोष नहीं, कोई आवेश नहीं है कि हम बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं। ये भगवान है। कुल गोविंद भगवान की जय हो। ये हमारे बड़े भैया हैं श्री ओम प्रकाश तिवारी जी, बड़े भैया और माता पिता दोनों का स्नेह हमें प्रदान किया है। और इस रास्ते पर जो हम बैठे ना, रास्ते के पथिक बन करके ठाकुर जी के चरणों में, इनका ही श्रेय है, इनकी कृपा से ही हम बैठे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। ओ आइए अपने प्रसंग पर चलें। तो कहां बोल रहे थे कथा भगत जी? राम जी तैयार हो गए धनुष तोड़ने के लिए। हाँ जल्दी टूट जाए, टाइम से टूट जाए ना। हाँ बोल बांकी बिहारी लाल। विश्वामित्र जी ने कह दिया उठो राम भंजो भव चापा, उम्मे ठो तात जनक परितापा, जनक जी के प्रताप को बैठ। तो सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज भाव से चल पड़े। और वहां जाकर के तो गुरु ही प्रणाम मैं नहीं मैंने कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना, गुरु ही प्रणाम मैं नहीं मल कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना। धीरे से भगवान धनुष के पास गए और गुरुजी महाराज को प्रणाम कर लिया। गुरुजी सामने ना हो तो मन से ही प्रणाम कर लो, तुम्हारी अर्जी पहुंच जाएगी और गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। गुरु कृपा का अनुभव करना चाहिए। गुरु 24 घंटे आपके साथ नहीं रह सकता है, आप जहां हो वहीं से गुरु का स्मरण कर लो, बस कार्य में सफलता मिल जाएगी। भगवान ने उठाया धनुष, कैसे उठाया? किले चढ़ावत खेचत गाढ़े, अरे काहु न लखा देख सब ठाणे, अति ही छंड राम मद धनु तोड़ा, भयो भुवन धुन घोर कटोरा, अति ही छंड राम मद धनु तोड़ा, भयो भुवन धुन घोर कटोरा, किले चढ़ावत खेचत घोर कठोरा, भयो भुवन धुन घोर कठोरा, भव भुवन घोर कठोर, रव रव बार तज मार्ग चले, चिकर ही दिग्गज ढोल ही मलि, ढोल सागर कल मलि, तेही क्षण मध राम धनु तोड़ा, भयो सुकल घोर कठोर। भगवान श्री राम ने उठाया धनुष, तोड़ दिया, घनघोर शब्द हुआ है, दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, समुद्र में हलचल होने लगी,
मेरु पर्वत भी हिलने डुलने लगा, कैलाश पर्वत भी डगमगाने लगा। भगवान राम जी ने धनुष को तोड़ा है पृथ्वी माता की तरफ, लखन लाल जी ने सारा किया। रुक जाओ मैया, अभी मेरे राम जी ने धनुष तोड़ दिया। अच्छा, राम जी ने धनुष तोड़ा, आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा? हम आप ही से पूछ लेते हैं, अच्छा लगा? अच्छा लगा। अभिनेता जी आते, घोषणा कर देते, नाली बनवा देंगे, अब की बार वोट दे दो, फट से ताली बज जाती, और राम जी ने धनुष तोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। झूठी घोषणा करके चले जाए, मंत्री जी आ जाए, विधायक जी आ जाए, बुरा माने तो मान जाए, क्या फर्क पड़ता है। घोषणा अगर कर दे तो ताली फटफटाके बज जाती है। और भगवान ने धनुष तोड़ दिया, हमें जयकारा बोलने में संकोच लग रहा है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राघव ने धनुष तोड़ दिया। अब जो अहंकारी राजा थे ना, जिनसे धनुष टूटा नहीं, एक दूसरे का मुंह देख रहे, क्यों तुम तो कह रहे थे धनुष टूटे गए नहीं, कैसे टूट गया? एक बोले काम करो, हल्ला मचा दो, लड़ाई हो जाए, दंगई हो जाए, ले वो छुड़ाए सी कहे कोई। कोई कहता है जानकी को छुड़ा लो, कोई कहता है इन दोनों बच्चों को बंदी बना लो, जनक महाराज को भी बंदी बना लो। एक ने कहा हल्ला काहे को मचा रहे हो? बोले हल्ला इसलिए मचा रहे, दंगई भड़क रहा है, कुछ हो जाए, कुछ ना कुछ तो हो ही जाए। कैसे होते हैं लोग, दूसरे का बुरा चाहने के लिए कुछ ना कुछ करते। एक महात्मा कथा सुनाते थे, अपने देश भारत में एक बार अमेरिका से एक डॉग आया, विदेशी डॉग, कुत्ता। तो इंडिया वाले डॉग गए उसको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर। भाई बाहर से आए ना, मोस्ट वेलकम, आइए आप लोग, पधारे हैं आप। कहाँ से आए? अमेरिका से आए। क्यों आए हो यहाँ? जलवायु ठीक नहीं वहाँ की? अरे जलवायु बहुत बढ़िया है, खाने पीने की सुविधा, बोले यहाँ से भी अच्छी है। तो काहे को आए हमारे देश में? बोले हमारे यहाँ सारी फैसिलिटियां हैं पर एक नहीं है फैसिलिटी। बोले कौन सी? बोले भौंकने वाली। बोले वहां की बिहारी, हमारे इंडिया में वो फैसिलिटी है, कुछ भी भौंकते रहो, कुछ भी बोलते रहो। ऐसे अहंकारी राजा, जिन राजाओं से कुछ नहीं होता वो हल्ला ज्यादा मचाता। जो लोग कथा में चंदा कम देते वो हिसाब ज्यादा पूछते हैं। बोले वहां के बिहारी लाल की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। चढ़िया ऊपर आ जाओ। ये हमारे शिष्य हैं, अभी अभी हुए शिष्य, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आ जाओ ऊपर आ जाओ। ये मैया हैं, क्या तो नाम है? उर्मिला मैया। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एक का नाम उर्मिला है, दूसरे का नाम बिमला है। पहले कथा कराई उर्मिला ने, अब करा रही बिमला, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, चक्कर क्या है सर? तो पूछ लेते हैं नाम। उर्मिला मैया, ये उनकी बेटी है, इनके दामाद हैं, ये दोनों हमारे शिष्य हैं। भगवान की कृपा है, भगवान के अनन्य भक्त हैं, और ठाकुर जी से इनका संबंध हमने 8 तारीख को जुड़वाया था, कनेक्शन। हम तो कनेक्शन जुड़वाने वाले एजेंट हैं, बोलवा के बिहारी लाल की भजन करोगे तो पुण्य मिलेगा। तो लोग कहते हैं महाराज कंठी पहना दो, माला बना दो, दीक्षा दे दो। दीक्षा देने वाली चीज नहीं है, दीक्षा लेने वाली चीज होती है। हम उसे ग्रहण कर ले, भगवान का भजन करे कोई, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो कनेक्शन जुड़ा देते हैं। अब भजन करोगे तो फल मिलेगा, बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। उर्मिला मैया, भोली मैया और त्रिवेदी जी, और मीनाक्षी, मीनाक्षी त्रिवेदी और श्री प्रकाश, श्री प्रकाश त्रिवेदी जी, सीलू भैया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और ये रविंद्र अग्निहोत्री जी, अभी आज से 5-7 दिन पहले इनके घर में ही कथा हो रही थी, उस कथा से फिर इधर आ गए हम। पहले घाटी पर थे, फिर नीचे की ओर चले आ रहे। तो नहीं, अभी ठाकुर जी के सामने बोल गोविंद भगवान की जय हो। ये राजा राम जी के विवाह में आए हैं, तो ठाकुर जी के चरणों में
अपनी अर्जी लगाई भगवान इनकी मनोकामना को पूर्ण करे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। विराजो तो भगवान श्री राम ने जब धनुष तोड़ दिया तो अहंकारी राजाओं ने हल्ला मचाया। जिन लोगों से कुछ नहीं होता वो हिसाब ज्यादा पूछते, हल्ला बहुत मचाते हैं, है ना। तो एक ने कहा काहे को हल्ला कर रहे, अब तो धनुष टूट ही गया है। बोली हमें ऐसा लगता है लड़का और लड़की का मैच नहीं खा रहा। अब जानकी जी माला लेकर के जो है राम जी के सामने खड़ी है और राम जी को देख रही है। प्रेम विवश पहराई न जाई, प्रेम बेहवल हो गई जानकी जी और प्रेम में भगवान को माला नहीं पहरा रही। तो अहंकारी राजा जो बैठे थे ना, लगता है लड़का लड़की का, लड़की का बिल्कुल मन नहीं है, जबरदस्ती धनुष तोड़ दिया। धनुष तो हमें तोड़ना था, टूट गया तो टूट गया। तो बोले क्या कर सकते हो। बोले देखो तमाशा, अभी दो मिनट रुक जाओ। अब धीरे धीरे जानकी जी आई सामने खड़ी है। सखियां मंगल गीत गा रही, राम जी छोटे हो जाओ थोड़े से, 21 फुट के हैं राम जी और जानकी जी छोटी सी हैं। कि झुकी जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। कब की ठाड़ी है पाम पिराने, 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 काहे बने बेपी लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनके रघुवीर लली मोरी छोटी सी। सुनो इस चक्कर में मत रहना कि आपने धनुष तोड़ दिया तो माला पड़ जाएगी गले में। हाँ तुम रघुवंशी अपनी अदा के, 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 ये हमारी जागी लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनके रघुवीर लली मोरी छोटी सी। राम जी बिन माला नहीं मिले जानकी, 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 यहाँ सखियन की भीड़ रही मोरी छोटी सी, रुक जइयो तनके रघुवीर सखी मोरी छोटी सी। से हो जाओ राम जी मान के बाद भैया लखनलाल जी ने मना कर दिया, झुकना नहीं है। दुनिया कहती ससुराल में एक बार झुक जाओ ना तो पूरे गांव के लोग झुकाते ही रहते हैं। ससुराल है और रघुवंशियों का स्वभाव है सिर कटाते हैं, झुकाते नहीं है। जय हो। और सभी भक्त नरेंद्र मोहन तिवारी जी के माध्यम से YouTube पर सर्च करेंगे और एक कथा गुरुदेव के श्रीमुख से श्रवण कर सकते हैं। पंडित श्री नरेंद्र मोहन तिवारी जी Facebook और YouTube पर ये आपको प्रसारण लाइव देखने को मिल रहा है। जय हो। जय श्री राम। और नंदिनी गोपाल सेवा संस्थान ये Facebook लाइव आप देख सकते हैं और महाराज श्री के श्रीमुख से ज्ञानमय गंगा में गोता लगा सकते हैं। जय हो।
अब सखियों ने प्रारंभ कर दिया कान कहना। राम जी के गले में माला पड़ गई, माला पड़ गई, माला पड़ गई, साहब प्रारंभ कर दिया, झूठे ही गाना चालू कर दिया। राम जी ने कहा अभी माला पड़ी नहीं, वैसी गा रही है तो वैसे झूठी कर रही, पढ़ तो नहीं गई है। नीचे झुक करके राम जी ने देखा तो इतने में राम जी के गले में सखियों ने माला डाल दी। बोल गोविंद भगवान की जय हो। और रहा विवाह चापे अधीना, और माला पड़ गई जानकी जी। अब तक राम जी अकेले थे, अब कि दशरथ नंदन जनक किशोरी और सीता राम मनोहर जोड़ी। सीताराम जी का विवाह होने लगा। अब तो परशुराम जी आ गए, किसने तोड़ा है राम जी का ए शंकर भगवान का धनुष। खूब नाराज हुए सा परशुराम जी। लखनलाल जी ने व्यंग बोले, पर राम जी ने उनको समझा दिया और एक वाण दिया। तो राम रमापति कर धन ले और खेच हो चाप मिटे संदेह। संदेह को दूर कर दिया है। अब अयोध्या से राम जी की बारात आ रही है साहब, बलवा के बिहारी लाल की जय हो। राम जी की बारात आई है, दूल्हा 6 महीने पहले पहुंच गया है। अब बिन दूल्हे के बारात जा रही, लोगों ने टोकना प्रारंभ कर दिया। एक कैसी बारात, दूल्हा तो है ही ना है। तो गांव देहात में कहावत, दूल्हा को भैया वो दूल्हे ही हो, बलवा के बिहारी लाल की जय हो। या लिए भरत जी को बिठा दियो राम जी की बल्दी, और लखन की बल्दी शत्रुघ्न को बिठा दियो, घोड़ा पर चली जा रही बरात। ओ मेरे राम जी की सुंदर सी बरात अवध से जनकपुर चली। चली जा रही रास्ते में लक्ष्मी माता ने, माता जानकी ने वैभव प्रकट कर दिया। सुख सुविधाएं बरातियों को मिल रही हैं। उस नगर का वर्णन कौन करे जहाँ जगदम्बा अवतार लेकर के आई हो। गुरुदेव भगवान ने महाराज जी को लग्न तिथि शुभ मुहूर्त बता दिया, और जो महीना अभी आने वाला है ना, अभी राम जी के विवाह का उत्सव होना है, अघन का महीना जो आ रहा है ना, अभी तो है सर पंचमी निकल गई। कौन सी तिथि है गुरु जी आज? नौमी है तो निकल गई है। हाँ पंचमी, जो अगन की जो पंचमी है ना, भगवान श्री राम जी का विवाह हुआ था, विवाह पंचमी बोलते हैं हमारे यहाँ। बड़ा उत्सव मनाया जाता, आज भी अयोध्या से बारात जाती है जनकपुर, और विवाह भावभीनी विदाई जानकी की होती है। तो बारात आई है साहब, देखा है राम जी को, सब लोग मोहित हो गए। बोले उनके भैया भी अच्छे हैं, एक काम करो जानकी की 2 बहनें और, इनका विवाह भी यही कर दो। नगर निहाल हो गया, लोग दर्शन कर रहे हैं जानकी के विवाह का। ये मंगल गीत जानकी माता के चरणों में। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, मेरा नगर निहाल हो गया है। बारात तो बहुत देखी होगी आपने, दूल्हा भी बहुत देखे होंगे, पर ऐसा नहीं देखा होगा। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हे हमें बड़का कमाल से किया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल से किया, ओ कमाल से किया, हो निहाल से किया, हो कमाल से किया, हो निहाल से किया, ओ चारों दूल्हा में बड़का कमाल से किया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल से किया।
माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे काने मा माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा माथे मणि मोरिया माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे काने मा माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा कारे कारे कजरा रे जुलमी नयने मा कारे कारे कजरा रे जुलमी नयने मा लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया हो हो लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया चारों ये हो चारों चारों दूल्हे हमें बड़ का कमाल सखिया ओ चारों दूल्हे हमें बड़का कमाल सखिया ये हो जहान है सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया महान है अखियाँ ना देख लीहन सुन लीहन कान है अखियाँ ना देख लीहन सुन लीहन कान है ए जुग जुग ओ जुग जुग जीवे ये जोड़ी बेमिसाल सखिया हो हो जीवे ये जोड़ी ये बेमिसाल सखिया ओ चारों दूल्हे हमें बड़े का कमाल सखिया चारों दूल्हे हमें बड़े का कमाल सखिया मगन है मगन धरती आरे गगन मगन है मगन धरती आरे गगन मगन है मगन धरती आरे देख देख दूल्हा की सांवरी सुरतिया देख देख दूल्हा की सांवरी सुरतिया आज लोढ़ा से कबीन कर गाल सखिया लोढ़ा से कवीन कर गाल सखिया चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया ओ चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया ओ कमाल सखिया हो निहाल सखिया ओ कमाल सखिया बलराज रामचंद्र भगवान की जय दुल्हा सरकार की जय हो भगवान श्री राम जी की मधुर झांकी को देख कर चार चार दूल्हा चार चार दुल्हनिया मंडप के नीचे भावरिया दे रहे हैं मंगल कृत हुए हैं कुंवर कलेवा हुआ राम जी मचल गए लोगों ने कहा कुछ मांग लो राम जी बोले हम क्या मांगे अब दूल्हा को जब तक ना मचले विवाह में कुंवर कक्ष में तब तक दूल्हा की शोभा नहीं बढ़ती वो मचलना चाहिए वो
और मच जाए तो कुछ ना कुछ उसको नेंग देना चाहिए, जो मांग वो दे देना चाहिए, है नहीं? अब ऐसा नहीं कि दे देंगे और चाहे 20 साल हो जाए फिर कुछ नहीं दिया, बताओ फिर तो नाराजी हो जाए दूल्हा, होगा कि नहीं? ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, कह देते फिर नहीं देते, पर दे देना चाहिए। राम जी ने कहा हमारे घर में कोई चीज की कमी है ना, हमें कुछ चाहिए ना। बड़े पुराने सयाने लोग आए, बोले मचल जाओ, जब लोग जब तो कहेंगे कि दूल्हा के फूफा को बुलाओ, जीजा को बुलाओ, तो पहचान हो जाएगी कि दूल्हा के फूफा जीजे हैं, मामा जीजे। ये भी रीजन रहता है, ऐसा नहीं है, कुछ कारण तो रहता ही। क्या चाहिए? राम जी बोले हमें और कुछ नहीं चाहिए, सखियां बार बार पूछ रही। राम जी बोले हम यदि तुम देना ही चाहते तो जितने हमारे साथ अनमेरिड साथी आए हैं सबका विवाह जनकपुर में हो जाए, बोलो बांके बिहारी लाल जय हो। ऐसा इसका प्रमाण भी कोई है? है, रामायण में लिखा है कि जनक भवन की शोभा जैसी और घर घर प्रतिपुर देखिए। अरे भाई राम जी के विवाह जाऊंगा तो जनक जी के घर में दुल्हन का मंडप होगा ना, पर गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों लिखा है घर घर प्रतिपुर देखिए तैसी? इसलिए लिखा है जिस बिरादरी का जो दूल्हा आया है उस बिरादरी की लड़की के साथ उसका विवाह हो गया। शादी हो तो ऐसी चाहे बरसों बाद हो, बोलो भाग्य बिहारी लाल की। ऐसी बारात में कौन नहीं जाना चाहेगा बताओ? जितने इसलिए नए युवा जो है शादी बारात में जाना चाहते हैं, वहां जाकर के ड्रामा करोगे तो शादी नहीं होगी, शालीनता से रहोगे, व्यवस्थित रहोगे तो लोग पहचान कर लेंगे ये लड़का बढ़िया है, बस बात बन जाएगी। और वहां जाकर के पेंट फाड़ोगे और जूता घिसोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। शादी राम जी कैसी हो, बरात हो तो राम जी, घर घर प्रतिपुर देखिए तैसी। विवाह हो गया है, मंगल बधाइयां बजने लगी, धीरे धीरे समय बीता, वैदेही की विदा होने का टाइम आ गया। जनकपुर में बरह के बादल छा गए, छह महीने तक बरात रुकी है राम जी की। इतना मोह बढ़ गया लोगों का, भगवान से प्रार्थना करते रहे विधाता ये दूल्हा जीवन भर यहीं रहे कहीं ना जाए। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर सूचना दे दो अब जन जाने का टाइम हो गया है। रनवास में सूचना पहुंची है, रानियों का मन विचलित होने लगा, वैदेही को बुलाया, माँ ने बेटी को बुला लिया, कंठ से लगा लिया, बार बार मुख देखती है उसका, मुख चूमती है, स्वप्न सा लग रहा है। लाडली कल से तुम यहां से चली जाओगी, क्या शिक्षा दी भैया ने बेटी की? सास ससुर गुरु सेवा करियो, पति रुख लखिया यसवन सरियो। सुंदर शिक्षा, बेटी कोई कार्य ससुराल में करती तो उनके माँ बाप को दोष लगता है ना, गलत काम हो जाए, सास टोकती है तेरी माँ ने ये सिखाया, तेरी माँ ने ये सिखाया बेटा, दूसरे के घर में जा रही, यहां जो हुआ सो हुआ, आगे से आपको ध्यान रखना है, दूसरे की बेटी बन करके जा रही, समझा रही है। बार बार कंठ से लग गोदी में बिठा करके सिर हाथ घुमा रही भैया, पूरी रात देखती रही बेटी। सवेरे रथ सजाया गया डोली पाल की, माता जानकी जहां से निकली वहां से दरवाजे के सामने तोता और मैना जो है व्याकुल अवस्था में जानकी को बुला रहे, वैदेही वैदेही वैदेही, व्याकुल कहे कहां वैदेही, सुन धीरज पर हरे न के ही। पशु पक्षियों की दशा है, मनुष्य की दशा का वर्णन कौन कर सकता है, कल्पना करो आप।
जनक जी बैरागी त्यागी संत, इस बैरागी के मन में भी आज प्रेम जग गया, वो पत्थर दिल भी पिघल गया। सिए ही देख धीरता भागी, रहे कहावत परम बैरागी। बैरागी संत और आगे बढ़े थोड़ी सी, मैया ने ओली भर दी, गोदी भर दी, चावल बांध दिए थोड़ी सी, और घर से बाहर जब मैया निकली और दोनों हाथ अंजलियों में खोबा में चावल लेकर के पीछे की ओर फेंकती है, मुड़कर के अपने जनकपुर की तरफ देखती है, अहो मेरी जन्मभूमि में लौट कर आऊं ना आऊं, बस देखती रह गई सखियों को देखती। अरे अभदपुर की रास्ते की तरफ जब पालकी का मोह हो गया ना, तो जनकपुर की स्त्रियां रो पड़ी और झाड़ू लगाने वाली एक बहुत छोटे घर की स्त्री कहती है राम जी से, प्रार्थना करती, राघव आप मुझे साथ में ले चलो, तुम क्या करोगी, जिस रास्ते से आप निकलोगे ना तो आपकी अयोध्या में मैं झाड़ू लगाऊंगी, किशोरी के चरणों से दूर नहीं रहूंगी, अपनी जानकी को छोड़कर दूर नहीं। अवध नगर की बोले ले डोमनिया, हे सुन हे सांवर दुल्हा, हम हूं चलब तुहरे साथ, सुन हे सांवर दुल्हा, ले चलो हमको भी साथ। रथ में बैठ गए, अब ज्यादा नहीं कहूंगा, वैदेही की विदा, रथ में बैठ करके माता जी आई अयोध्या, बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। अयोध्या में कौशल्या मैया की खुशी का ठिकाना नहीं, एक जगह पर दुख है दूसरी जगह सुख है, जिसके घर में चार बहुएं आ रही हों उस मैया का तो कहना ही क्या, फूली नहीं समा रही कौशल्या, कहीं सुमित्रा घी के दीपक जला लिए, मंगल कलश लेकर दरवाजे पर खड़ी है बहुओं की अगवानी करने के लिए, पूरे अवध को महाराज मंगलमय वातावरण हो गया है, बंधनवार कलश चौक पुरा दिए गए, जय जय घोष होने लगी, दरवाजे पर चार बहुएं खड़ी हैं, बहुओं की मुख दिखाई हो रही है, नेंचा दरवाजे कौशल्या मई कैकेयी मैया ने अपना कनक भवन दे दिया, वैदेही की मोह दिखाई, आज के बाद इस भवन में आप रहो, इतना प्रेम करती कैकेयी मैया राम जी को, अपना भवन दे दिया, मेरे भवन में रहना है आज, हे विधाता मैं कभी मां बनूं तो मुझे ऐसी लड़का बहू चाहिए, इतना प्रेम करते। कौशल्या मैया का नंबर आया, मोह दिखाई, मैं क्या दोगी, क्या दोगी, सारी वस्तुओं को खोज करके देख करके आई, कोई वस्तु नहीं है जानकी का, जानकी जी की मोह दिखाई में क्या दूं, इतनी सुंदर है जानकी, तो खोज आई कौशला विचार बड़े हौसला सो, पुत्र बधु योग कोई वस्तु ना लखाई है, कुछ नहीं मिला, तब निकट बुलाए नीलमणि रघुराई, राम जी का हाथ लिया, ले ले बधु तेरे मुख की दिखाई है, राम जी से सुंदर, राम जी से प्रिय कोई चीज है नहीं दुनिया में, मैं अपने पुत्र को तुझे देती हूँ, ले ले वृंदावन बिहारी, ले ले बधु तेरे मुख की दिखाई है। मंगल गीत हो रहे अयोध्या में, राम कथा तो राम कथा है, बस अयोध्या में मंगल चार हो रहे थे, देवताओं को ये बात रास नहीं आई, मंत्रा की बुद्धि बिगाड़ दी, कैसे कैकेयी मैया का मनोबल बिगाड़ दिया है, दशरथ जी से वरदान मांग लिए, राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ है, भगवान 14 वर्ष जंगल में रहे, जानकी का हरण हुआ है, दुष्ट रावण का वध करके 14 वर्ष बाद भगवान श्री राम जी अयोध्या में आए, ऐसे दीपक जलाए गए अयोध्या में और मंगल गीत बधाइयां गाई गई, ऐसी भगवान श्री राम जी अयोध्या में विराजमान हैं, राम जी के चरणों में हम ही प्रणाम करते हैं, रज रामचंद्र भगवान की जय हो। ये राम कथा है, 9 दिन में भी पूरी नहीं होती है, ब्रजवासी तो ऐसे कह देवे, एक राम एक रामन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, बिन्ने बिल की सिया चुराई, बिन्ने बिल की लंक जलाई, बात बात को बातन्ना, बाबा जी लिख गयो पोथन, सीधा मामा
पर राम कथा तो राम कथा ऐसा डूब जाओ तो डूबे रहो पर राम जी के चरणों में, क्योंकि रामायण में प्रवेश कर जाएं तो हमारी सब कथा छोटी हो जाती है, इसलिए क्षमा चाहते हैं। राम जी के चरणों में मुझे गोकुल की यात्रा करनी है, गोकुल चलना है वृंदावन, तो उनके चरणों में ही प्रणाम। एक सेकंड के लिए नहीं, 30 सेकंड के लिए राम नाम जप लो, उसके बाद फिर अपन अब भी चलते हैं गोकुल। वहां के बिहारी लाल की सीधी गाड़ी जाती है, इसे छूटती 7 बजे, वृंदावन अभी पहुंच चलेंगे, 7 नहीं बजे अभी। कि जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, बोलो जैसे रखे राम जी रहना। राम सीताराम, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। ओ, 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 आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहे ते आराम हो रोज ही सुबह शाम। सीताराम 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 कहना चाहिए, चाहे रखे राम जी रहना चाहिए, रहना चाहिए। चंद्र भगवान की जय हो। अभी तक आप सूर्यवंश की कथा सुन रहे थे, अब चलिए चंद्रवंश में प्रवेश करते हम सभी। कि कथितौ वंश विस्तारं भवता सौम्य सूर्ययौ, राज्यं चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। सूर्यवंश जैसा है ऐसे ही यदुवंश है। यदुवंश में अनेक प्रतापी राजा हुए हैं। चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुर्वा, पुरुर्वा के ही वंश में आगे चल करके बड़े प्रतापी राजा हुए ययाति, और राजा ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ में हुआ। क्यों हुआ? सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव ब्राह्मण की पुत्री का विवाह क्षत्रिय के साथ में कैसे हुआ, ये बात हमारी थोड़ी समझ में कम आई। तो कारण बन गया, बृहस्पति का पुत्र कच्छ पढ़ने के लिए विद्या संजीवनी शुक्राचार्य जी के घर गया। मन ही मन देवयानी कच्छ से प्रेम करने लगी। विद्या पढ़ के जब कच्छ आया तो देवयानी ने कहा तुम मेरे साथ विवाह करो। कच्छ ने मना कर दिया, गुरु की पुत्री हो आप, मेरे लिए पूजनीय हो, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। श्राप दे दिया कच्छ को, जाओ मेरे पिता से जो विद्या पढ़ी है तुमने भूल जाओ। कच्छ को भी क्रोध आ गया, निरपराध ब्राह्मण को तुमने मुझे श्राप देकर ठीक नहीं किया, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कोई भी ब्राह्मण बालक तुम्हारे साथ विवाह ना कर। संयोग बन गया, एक दिन देवयानी और शर्मिष्ठा नदी में कुएं में स्नान करने के लिए गई तो उसको क्रोध आ गया, वस्त्र पहन लिए एक दूसरे के। अब सहेलियां आपस में एक दूसरे के वस्त्र पहन लिए, तो छत्री कुमारी ने ब्राह्मण की बच्ची का कपड़ा पहन लिया जल्दी जल्दी में। क्रोध आ गया देवयानी को, मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, मैं ब्राह्मण की छत्री की बेटी को क्रोध आ गया, उसको सहन हुआ, ढक्का लगाया, कुएं में फेंक दिया। कुएं में पड़ी थी बेचारी देवयानी, राजा ययाति निकले, चीखी चिल्लाई तो हाथ पकड़ लिया उठा। राजा ने कहा अपने घर को चली जाओ। बोले राजन जिसने मेरा हाथ पकड़ा है वही मेरा जीवन साथी बनेगा, ऐसा मेरे भाग्य में लिखा है, मेरे साथ विवाह कर। राजा ययाति ने विवाह किया। शर्मिष्ठा जो उसकी सहेली थी वो उसके घर में दासी बन करके गई है महाराज। और देवयानी से जो पुत्र पैदा हुए, जो छोटे वाला पुत्र उसका नाम हुआ यदु, यदु से ही यदुवंश प्रारंभ हुआ है। यदुवंश में एक देवमिंड नाम के राजा हुए। देवमिंड के यहां अर्जन्य परजन्य, और कथा आती है कि मथुरा के पास में जगह है बटेश्वर, और बटेश्वर के राजा हैं सूरसेन। सूरसेन
जो है जमुना जी में पूरे उठा ले बुलबा के बिहारी लाल की जय हो। तो सूरसेन भजन कर रहे थे जमुना जी और मथुरा के राजा है उग्रसेन। आप लोगों का दिमाग ध्यान जो है भटक गया है भटक गया। यही तो बात है, मनी तो है, मनियो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही तो है इधर से उधर। कितनी जल्दी भागता है, मन की गति है अटपटी, है ना। मैं कथा में बोला करता हूँ, एक बाबा का कथा में दिल्ली में कथा समय दिया, पांच पांच मिनट सबको बाबा को दिया समय। तो वृंदावन के अभूत संत थे, कहे मेरा मन कभी लंदन कभी दिल्ली कभी लंदन। लोगों ने कहा बाबा प्रवचन के लिए बुलाया, दिल्ली लंदन बोल रहे हो क्या बोल रहे। बोले पागल तो, मन की गति तो देखो, एक मिनट में लंदन पहुंचता है, एक सेकंड में दिल्ली आ जाता है। ऐसी अपना मन है, जहाँ कुछ हुआ नहीं कि वहीं पहुंचे। एक अब क्या कहूं मैं आपसे, बोल बांके बिहारी लाल की। एक मुल्ला जी नवाज पढ़ रहे थे, बोल रहे जी फिर भी कह देता हूं मैं। तो पढ़ रहे थे नवाज, तो कोई प्रेमी से मिलने के लिए प्रेम का भागी चली जा रही थी, उसका टाइम था फिक्स, वो भागी चली जा रही थी, मिलने जाऊं मिलने जाऊं। तो चदरिया बिछाते ना वो बीच में, तो उसने चादर पे पांव वाव रखा और चली गई, ध्यान नहीं दिया उसको, स्पीड में जा रही थी। बाबा जी जब लौट कर आए तो बहुत बिगड़े उसके ऊपर, तुम्हें इतनी अंधी हो गई तो चादर पर ध्यान तुम्हारा नहीं गया, मेरे पांव क्यों रख दिए इसके ऊपर। तो उसने हाथ जोड़कर कहा बाबा आप कर क्या रहे थे। बोले मैं अपने ईश्वर की इबादत कर रहा था, मालिक का ध्यान कर रहा था। तुम ध्यान नहीं कर रहे थे, तुम्हारा ध्यान तो मेरे पांव पर था कि इसका पांव मेरी चादर पर पड़ा है। असली ध्यान तुम्हारा भगवान से लगा होता ना तो फर्क नहीं पड़ता कौन कहां से जा रहा है कौन कहां से निकल रहा है। अपना ध्यान जहां केंद्रित हो जाए, और ध्यान को केंद्रित करने के लिए तो कथा होती है। बोल वहां के बिहारी लाल की जय हो। बगल में क्या हो रहा है क्या लेना देना, पर लगन तो लग जाए, पर लगन ही तो ऐसी है जो लगती नहीं है। बोल वहां के बिहारी लाल की पंक्ति मुझे याद आती है, कथा तो बहुत लंबी है, बस ध्यान रखो। लागी हो लगन मेरे राम में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। उसकी लागी हो लगन मेरे राम में, राम में उसका दिया जलेगा तूफान में। लगन की बात लग तो जाए पर लगती नहीं, लगन लगाने के लिए तो कथा सुनी जाती है। तो कहां बोल रहे थे हम, आपका दिमाग इधर उधर हुआ, वो कनेक्शन कनेक्टिविटी खो गई है। कहां बोल रहे थे बच्चे, कौन सी कथा सुना रहे। एक कह रहे थे कि बहुत बोर करते हो पब्लिक को तुम, कथा में ऐसे लिखते रहते हैं यूट्यूब पर कमेंट करते रहते लोग, बहुत बोर करते हो। हम बोर नहीं करते, हम तो ध्यान रखाते हैं आपको, क्या आपका ध्यान लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। वो कथा भी क्या इस समझ में ना आए, बोलवा के बिहारी लाल की कथा नहीं वो तो फिर व्यथा है, जो समझ में ना आए वो व्यथा है। कथा तो वो जो आदमी की पल्ले पड़ जाए, इसलिए पूछने की आदत है हमारी, हम पूछ लिया करते हैं। क्या बोल रहे थे हम, देवयानी की वस्त्र जो है पहली बदल ली तो उसने श्राप दे दिया। वो बहुत बैकग्राउंड में चले गए आप, बहुत बैक हो गए, पीछे हो गए, कथा तो बहुत आगे बढ़ गई। बटेश्वर के राजा कौन, सूरसेन। मथुरा के राजा कौन, उग्रसेन। और उग्रसेन के संतान नहीं, ब्राह्मणों ने यज्ञ कराया, ब्राह्मणों के यज्ञ से रानी पद्मावती गर्भवती हो गई है। और ब्राह्मणों ने निषेध किया गर्भवती स्त्री को घर से बाहर ज्यादा नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि गर्भस्थ शिशु के ऊपर जब छाया पड़ती ना तो उस बच्चे के जीवन में वैसे संस्कार आते हैं। गर्भ अवस्था में ज्यादा से ज्यादा भगवत भजन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, हमारा बालक संस्कारी पैदा हो। और परे परे टीवी देखोगे तो फिर तो डांस करते ही आएगा, रिमोट नहीं छोड़ेगा। भगवत चिंतन करना चाहिए।
तो रोका लेकिन नहीं मानी। वो घूम रही थी महल से बाहर तो दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया पड़ गई। महाराज उग्रसेन का वंश बिगड़ गया। अंश बिगड़ा तो वंश बिगड़ ही जाता है। बोलवा के बिहारी लाल की, अंश बिगड़ा तो वंश बिगड़ा, फिर कंस पैदा होगा। कंस पैदा। ब्राह्मणों ने कहा ये बालक तुम्हारे लिए अमंगल है, तो कांस की टोकरी में जमुना जी में धीरे से बहा दियो। मथुरा से बहाते बहाते बटेश्वर पहुंच गए। सूरसेन जी ने देखा ये तो बालक नवजात है, अभी तो इसका उस बच्चे को ले आए घर में। भगवान सूर्य की आराधना कर रहे थे तो घर में कंस और बसदेव एक साथ बड़े हुए हैं, धीरे धीरे बड़े हो गए। एक दिन नारद जी ने कहा अरे कंस तुम्हारे पिता तो मथुरा के राजा हैं। कंस को आया क्रोध, मथुरा गया। जब मथुरा में नहीं चली तो कैलाश पर्वत पर चला गया। भोले बाबा की स्तब तपस्या की, शंकर भगवान से वरदान मांगा, मुझे ऐसा वरदान दो मैं किसी के हाथ से ना मरूं। आशीर्वाद लेकर के आया। केसी अरिष्टासुर धेनुकासुर अघासुर पूतना के बड़े बड़े राक्षसों की सेना तैयार करके मथुरा पर आक्रमण कर दिया और कंस ने स्वयं राजा बन गया और उग्रसेन को कारागृह में डाला। समय बीता, देवकी जवान हो गई, चाचा की बेटी है। कंस के कोई संतान नहीं थी, सोचा कि मैं कन्यादान ले लूं इसका। पूजन किया, कन्यादान लिया, विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। पहुंचाने के लिए जा रहा था मथुरा, भाव में था, रो रहा था। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, देखिए मूर्ख कंस तू मुझे मेरी बात को ध्यान से सुन। क्या सुनूं साहब, जिस बहन देवकी को भेजने के लिए तू जा रहा है ना, इसी का आठवां पुत्र तेरा काल बनेगा। कंस हो गया बेहाल, पकड़ लिए मैया देवकी के बाल, खींच ली ढाल, इसको छोड़ूंगा नहीं, रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, पकड़ ली। बस देव जी ने हाथ पकड़ लिया, राजन आप जैसे भोज वंश की कीर्ति को यश को बढ़ाने वाले राजा आपको शोभा नहीं देता। साकथम भगनी हन्यादिस्ती मुद्बाह पर्वणी, और मौत से डरते हो। मृत्यु जन्म बताम वीरा देहे ना सहजायते, जिस गर्भ से हमारा जन्म होता है उसी गर्भ से मौत भी जन्म लेकर के आती है। बस देव जी ने समझाया, धीरे धीरे उसके समझ में आ गया। हम वचन देते हैं जितने भी बालक होंगे देवकी के सब दे देंगे तुमको। कारागृह में बंद कर दिया। देवताओं को चिंता हो गई है, ब्रह्मा की शरण में गए, ब्रह्मा जी भगवान की शरण में गए। हे तारणहार ब्राह्मण गौ और पृथ्वी माता बहुत दुखी हो रही है, अवतार लो हे तारणहार। भगवान ने वचन दिया है, देवताओं तुम जाओ भेष बदल कर वृंदावन में ब्रजवासी बन जाओ। कोई गैया बन गया, कोई ब्रजवासी बन गया, कोई गोपी बन गया, सब देवता भेष बदल कर ब्रज में आ गए। देवकी का प्रथम पुष्प खिला, कंस ने उसको छोड़ दिया। ऐसे करके छह पुत्र छोड़ दिए, पाप का घड़ा भरने लगा। नारद जी आए, नारद जी ने समझाया कोई भी आठवां हो सकता है। समय बीता, सातवीं संतान के रूप में बलराम जी आए। योग माया ने मैया देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। कंस को मालूम चला, बहुत दुखी हुआ, कारागृह से मुक्त कर दिया। अब आठवीं संतान के रूप में भगवान स्वयं आने वाले हैं, बिल्कुल परेशान मत हो। आप पांच मिनट में कथा हो रही पूरी, अब पूरी कथा हो जाए जब जइयो। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। हमारा क्या है, हम तो सवेरे पे सुनाते रहे, पर सुनने वाले तो हो। बोलवा के बिहारी लाल की, लेकिन कोई बात नहीं है, जितना भी आपने समय दिया वो कम थोड़ी है। तो भगवान श्याम सुंदर के आने का टाइम हुआ, देवता स्तुति करने के लिए आए, भगवान गर्भ में आए। वैसे भगवान आते नहीं है गर्भ में, ईश्वर कभी गर्भ में नहीं आता, लेकिन भक्ति में वो शक्ति होती है। उस निर्गुण परमात्मा को सगुण बनने के लिए आना पड़ता है। कि जा देने ते हरि गर्भ ही आए, गर्भ में आए भगवान। अषाढ़ गया, सावन बीता और भादो, भक्त कहते हैं ओ अजहु नया आए, ओ अजहु
कब आओगे? सावन बीता जाए जाहे रे, ओ सावन बीता जाए। हाँ गोपाल आज हूँ नया है, सावन बीता जाए जाहे रे, कह राधा प्यारी में बलिहारी गोकुल आओ गिरिधारी जी, गोकुल आओ गिरिधारी श्री गोकुल आओ गिरिधारी, गोकुल आओ गिरिधारी जी, गोकुल आओ गिरिधारी, गोकुल आओ गिरिधारी जी, गोकुल आओ गिरिधारी। कह राधा प्यारी में बलिहारी गोकुल आओ गिरिधारी, गोकुल आओ गिरधारी। भादों का महीना आ गया, दिन गया है रात बीती है, रात के ठीक 12 बजे देवता पहली स्तुति करने के लिए आए भगवान की। सत्यम वितम सत्य परम ति सत्यम, हे परमात्मा आप आदि में भी संत हो, मध्य में भी संत हो, सत्य स्वरूप हो। सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्ना, हे तारणहार पधारो, भक्त अधीन हो रहे हैं। ठीक 12 बजे रात्रि में देवकी के कारागृह में भगवान तम अद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम शंख चक्र गदा पद्म लेकर के मेरे नारायण प्रकट हो गए, लक्ष्मी नारायण भगवान। जय हो, जोड़ते जयकारा मत लगइयो, मामा की नींद खुल जाएगी तो आ जाए। भगवान ने कहा दर्शन करो, देव की मैया कहती देखन चाहूं बाल सुख रहे कछुक दिन छाए। मैंने तो आराधना की थी कि अब बच्चा बन करके आओ, आप तो पापा जी बन के आ गए हो, ये काहे को आ गए श्रृंगार करके। भगवान बोले मामा जी जन्म लेते ही मारवे आजा में आली हथियार साथ में लेकर के आए, हाँ हम छोटे हो जाएंगे तो आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी, लीति रक्षा को सामान अपने आप ले आए। छोटे बन जाओ, भगवान ने योग माया को आदेश दिया। योग माया देवकी के गर्भ में, यशोदा मैया के गर्भ में जो प्रकट हुई है, और योग माया आए वहां से इससे पहले कि वसुदेव के कारागृह में सारे बंधन मुक्त हो गए, मेरे गोविंद को लेकर के छकड़ा में वसुदेव जी जाने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्म मस्तक पर होता है तो बंधन खुल जाते हैं, माया जीव को बांधती है और ब्रह्म जो है खोलता है। कि सोए गए आके पहरेदार सब सो गए, जुला में कर डारे रिया कारी कामर बारे ने। नहीं गाएंगे, गाएंगे तो फिर टाइम बर्बाद होगा ना। कन्हैया ने ऐसी लीला कर दी, ऐसी लीला कर दी साहब, बंधन खुल गए, आगे बढ़े तो जमुना मैया मिल गई है। धीरे मंदम मंदम जल धरा, धीरे धीरे पानी बरस रहा है, मेघ बालाएं गड़गड़ कर रही है, चंद्रमा लुपा छुपी का खेल खेल रहा है। अद्भुत शेषनाग जी को चिंता हो गई, कन्हैया के ऊपर जल की बूंदें गिर रही, सहस्त्र फणों से मेरे लाला की रक्षा करने के लिए वसुदेव जी डलिया में लेकर के जमुना जी की तरफ चले जा रहे हैं। अंदर गए जमुना में तो वसुदेव जी की डांडी तक जलाए, वसुदेव जी कहे भैया अरे कोई लो मेरे लाला को कोई लो, ये कोयलों के पास के हैं भैया हमारे गोपाल जी बुलवा के बिहारी लाल। हाँ गोकुल और दाऊ जी के बगल में गांव है कोयलों, और कोयलों के पास के हैं, घर से थोड़ी दूर है। हाँ ये ठेठ बिजवासी है कन्हैया के गाँव के लाला। तो यमुना मैया बावरी हो रही है अपने पति के चरण छूने के लिए, मेरे गोविंद ने थोड़े से चरण छुवाए, छू के चरण उतर गई यमुना, यमुना जी चली गई नीचे। भगवान ने सारा कर दिया, तुम शर्म नहीं आ रही है ससुर बाबा की दाढ़ी ना देख रही,
एक माला चरण छुबायो तो जमुना नीचे चली गई है। और रात में गए नंद बाबा के घर में, कन्हैया को सुलाए दियो और योग माया को लियो, बंधन बन गई, मथुरा में आ गए बसदेव जी। बसदेव जी जैसे मथुरा आए तो कन्या जोर जोर से रोने लगी है। कन्या के रोने की आवाज कंस के कान में पहुंची, हो गया मेरा आत्मा को काल पैदा हो गया, तलवार लेकर के आया। देवकी ने बहुत समझाया, छोड़ो से छोटी कन्या है। कंस ने पकड़े दोनों पांव, पत्थर से मारना चाहता है, हाथ से छूट गई आकाशवाणी हुई, अब तो मूर्ख कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला काल पैदा हो गया है। ब्रज में अष्टभुजी देवी प्रकट हो गई है, बिंद वासिनी मैया यशोदा गर्भ संभूता। मैया यशोदा के गर्भ से जो प्रकट हुई वो कन्या, वही बिंद वासिनी देवी आकर के विंध्याचल पहाड़ पर बैठ गई है। कन्हैया की बहन जिसका नाम बिंद वासिनी। कंस टेंशन में, उसको रहने दो, आप चलो मेरे साथ गोकुल, बस उसको परेशान रहने दो कंस को। नंद बाबा की उम्र कितनी है, 75 75 नंद बाबा और 85 की यशोदा मैया, 85-85 साल की यशोदा मैया, 84 गज को लहंगा पहने मैया यशोदा। आज महात्मा आए दरवाजे पर और संत महात्माओं को देख करके भोजन कराया और संतन ने आशीर्वाद दे दियो यशोदा रानी को, हे यशोदा तू पुत्रवती भव। नंद बाबा ने हाथ जोड़ लिए, अरे बाबा बूढ़े होने को आए, आज तक कोई छोरा छापरो ना भयो। संतों ने कहा जब संतों की वाणी निकल गई तो परमात्मा को कुंडली बदलनी पड़ती है, हो ही जाएगा, चिंता मत करो। संतों की कृपा से नंद रानी गर्भवती है गई। धीरे धीरे 2 महीना बीते, 3 महीना बीते, 4 महीना हुए तो नंदा और सुनंदा, भाभी के कुछ होने हुए तो ननंद 6 महीना पहले से डेरा डाल के बैठ जा। अब क्यों आती हैं, ये तो उनका स्वार्थ है, एक कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, आ जाती ना ना द। ब्रजवासी कहते ना ना द, जो किसी को ना दे सी ले ही ले, इसी का नाम ननंद है। बुलवा के बिहारी लाल की, बुआ जी आई, बुआ जी आई, बुआ जी, भाभी को कुछ काम ना करने दे, भाभी तुम बहुत कमजोर हो रही, कुछ खाए पिया करो। लो सा ननंद आ गई, नंदा और सुनंदा। धीरे धीरे समय बीता, नंद रानी का 9वां महीना चल रहा है। नंद रानी कहती, देखो जी एक नई नई बहू आई ब्रज में, अपनी सास से कहे मैयारी मैयारी, ये मेरे छोरा हो ना, मुझे रात के जगा दियो। तो बाकी सास बोली, अरे मेरी सौत, तू पूरे गांव को जगाए देगी, मैं तुझे कहां जगाऊंगी। आज मैया सुधा के रात्रि में बालक है गया, पर मैया सुधा को पता ही ना चली। लो सास, सुनंदा बुआ ने सोचा भाभी 9 बजने को आए, जगनी रही है, धीरे से गई कक्ष में, तो बगल में एक थोड़ी सब हलचल दिखाई दी तो खुशी के मारे नाच लगी, हे भगवान देवतन के पांव पर एक सवार, जितने भी मैंने व्रत किए एक बार मेरे घर में लाला है जाए। अब बुआ जी को इस बात की टेंशन थी, कहीं लाली ना हो, कहीं छोरी ना हो, भगवान छोरी होएगी तो 9 लक्खा नहीं मिल लो भाभी के गले को, एक बार हो जाए लाला पर पीछे से 9 हो जाए चाहे 10 हो जाए उसकी कोई टेंशन नहीं, पर एक बार तो हो ही जाए। ए मेरे गिरिराज बाबा हरि शरणम जाप कियो। और बुआ सुनंदा धीरे 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 गई और भाभी के बगल में चदरिया को हटाया, सो नीलमणि सो लाला दिख गयो, वो लड्डू गोपाल की, खुशी के मारे नाच लगी, है गयो है गयो है गयो है गयो, और लेके थाली पूरे गांव में हल्ला मचा दियो, है गयो, निंडोरा पीट दियो नंद बाबा के पास, भैया इतना सुंदर समाचार लेकर के आई हूँ, तू नाचने लगे हो। नंद बाबा ने कारी बावरी बोल तो सही, कहा भयो, अरे भयो का अपने घर में लाला, भयो भयो बोलवा के बिहारी लाल की। सोई नंद बाबा 75 साल को, नंद बाबा 16 साल को है गयो, और 108 डुबकी लगाई जमुना में, घोट तक काजल लगायो, पीली बगलबंदी पहरी, और भगवान श्याम सुंदर को देखकर पूरे ब्रजमंडल में हल्ला है गयो, खुशी का ठिकाना नहीं। आइए नंद महोत्सव में हम सब प्रवेश करें, और आप लोग उठेंगे नहीं, देखो ध्यान रखिए केवल 5 मिनट और आपका हमको समय चाहिए, ओनली 5 मिनट, आप उठेंगे नहीं, भगवान अभी आ रहे हैं, झांकी का दर्शन करें आप। और सबसे पहले कथा के जो जजमान हैं
वो आचार्य जी गजमान से पूजन कराएंगे, भागवत पूजन, ब्राह्मण पूजन, और इसके बाद जो है गोपाल जी जो है आपके पास आएंगे, ठाकुर जी आपके पास आएंगे। ये क्रम बता दिया मैंने आपको। उठना उसको है जिनको नाचना आता है, बाकी लोग बैठे बैठे मटकते रहियो, डक्का मत दियो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ लोग तो शौक शौक में खड़े हो जाते हैं, तो जिन पे बने नचवो नच लियो, बाकी कन्हैया की बधाई है। या यहाँ नाचोगे तो 84 के चक्कर से बच जाओगे, और नहीं नाचोगे तो हमारी कोई गारंटी सोई नहीं है। बोलो बाकी बिहारी लाल की। चलो चलते हैं नंद महोत्सव, नंद के लाला की जय हो। कि एक अचंभो हमने सुनो ब्रजमंडल में क्या हुआ है, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, पूर्ण ब्रह्म सनातनम। विधाता कहते हैं क्या कहें ब्रजवासियों के भाग्य की, देखो तो सही आज तो आनंद हो गया है। कि एक अचंभो हमने सुनो, सुन के मन में झगझोरा भयो है, के विधिना के कौतुक देखो के संचो विधि बोरा भयो है, बोरा भयो है। कि राति के छोरी भई सजनी बड़ छो गो रहू ते की छोरा भयो है, तो बजत बधाई धुन छाई थी हो लोकन में आनंद मेहर की, नाचत सुर ताल की सुत को जन में सुन देवने आनंद भयो, दूध भी बजाई भई बरसा रसाल की। ब्रज में ब्रज चंद भयो यशुदा घर पर चंद भयो, और हम बोलेंगे कि नंद के आनंद भयो। आगे वाली बात आप बोलेंगे, एक बार हम बोलेंगे कि नंद के आनंद भयो। आधे लोग बोले, बच्चे बच्चे बोल रहे कि उन्होंने आशा है कि चकाचक, बूढ़े को ना बोल रहे, और जिसके भाग्य में होगा उसको तो मिल ही जाएगा, बूढ़े हो चाहे जवान एक बार तो बोल लो कि नंद के आनंद भयो। देखो इनकी आवाज आ रही बच्चों की, एक इनकी नहीं आ रही है, कहीं नहीं आ रही है, और जिनके नहीं आ रहे उन्हें बगल में बैठे वारे की है। वो नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। बब्बा ये कहू ना बोल रहे, इनने भी कल खारा क्योंकि हम पे तो कहीं ना है, बरो मान गए। एक बार हम कहे मैया बधाई हो, एक बोले बाबा बधाई हो, कंपटीशन, बाबा बधाई हो। ले अब आपको नंबर है, मैया बधाई हो। अरे इतनी जोर से तो बोलो कम से कम राजनंदिनीपुरम के गेट तक आवाज चली जाए, मैया बधाई हो। ऐसा लगे जैसे 6 दिन की पुआसी हो, बधाई हो। नंद के लाला की जय हो। हो मेरी खुशियों का रहा ना ठिकाना, जय जय। आज नहीं नाचेंगे तो कब नाचेंगे, गोप्या समिष्ट मणि कुंडल निष्क कंठ्या, 16 श्रृंगार किए ब्रज गोपियों ने। हो मेरी खुशियों का रहा ना ठिकाना, ओ मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, ओ हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए, हमारे घर श्याम आए। ओ मेरी खुशियों का रहा ना ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा ना ठिकाना, ओ मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, ओ हमारे घर श्याम आए हैं। नाच
के मेरे जागे देखो दया हुई श्याम की हाँ दया हुई श्याम की हाँ दया हुई श्याम के भाग मेरे जागे देखो दया हुई श्याम की हाँ दया हुई श्याम के श्याम की हाँ दया हुई श्याम के आज मुझे सुनी मिली सांवरे के नाम की हाँ सांवरे के नाम की आज ए आज मुझे पूजी मिली सांवरे के नाम की हाँ सांवरे के सांवरे के नाम की हाँ सांवरे के नाम के सारी दुनिया को चाहूँ बताना सारी दुनिया को चाहूँ बताना मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना हमारे घर श्याम आए हैं हमारे घर श्याम आए हैं ओ हमारे घर श्याम आए हैं नहीं कोई संसार में हाँ कोई संसार में कोई संसार में हाँ कोई संसार में हाँ कोई संसार में बड़ा ही आनंद आया सांवरे के प्यार में हाँ सांवरे के प्यार में बड़ा ही आनंद आया सांवरे के प्यार में हाँ सांवरे के प्यार में ओ मैं तो झूम झूम ऐसे थोड़ी ऊपर हाथ करके ऐसे ओ मैं तो झूम झूम ओ मैं तो झूम झूम गाऊं तराना मैं तो झूम झूम गाऊं तराना मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना हमारे घर श्याम आए हैं हमारे घर श्याम आए हरि बोल ओ हमारे घर श्याम आए हैं हमारे घर श्याम आए जो तमन्ना थी वो पूरी हुई आज है वो पूरी हुई आज है पूरी हुई आज है वो पूरी हुई आज है पूरी हुई आज है ओ एक जो तमन्ना थी वो पूरी हुई आज है पूरी हुई आज है पूरी हुई आज है पूरी हुई आज है ओ मेरी खुशियों का बस यही राज है बस यही राज है बस यही राज है हाँ बस यही राज है सारे जग को चाहूँ बताना सारे जग को चाहूँ बताना ओ मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना हमारे घर श्याम आए हैं हमारे घर श्याम आए हैं ओ हमारे घर श्याम आए हैं हमारे घर श्याम आए हैं जय हो मैनू नचना किसके लिए नचना है आपको
लाला के लिए नच रहे हैं, कन्हैया के लिए नच रहे हैं, मोहन के लिए नच रहे हैं। एक बधाई और इसके बाद आरती होगी। ठाकुर जी अभी तो बहुत माल भी लुटाना है ना, एक बधाई के लिए गाले। निमे नचना मोहन दे नाल, मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच ले दे, मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच ले दे। नच लेने दे, नच लेने दे, नच लेने दे, नच लेने दे, ओ नच लेने दे मैनू नच लेने दे, ओ नच लेने दे मैनू नच लेने दे। नचना मोहन दे, नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच ले दे, नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच ले दे। तेरा दुनिया में नाचा बहुत तेरा, फिर भी कोई मना नहीं मेरा, फिर भी कोई मना नहीं मेरा। निमे की करना संसार, की करना संसार, आज मैनू नच ले दे, आज मैनू नच ले दे, दे। अपने श्याम की जोगन बन के, अपने श्याम की जोगन बन के, अपने श्याम की जोगन बन के। मन की करना संसार, मन की करना संसार, आज मैनू नच ले दे, की करना संसार, आज मैनू नच ले दे, मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच ले दे, 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 आज मैनू नच ले दे। लाखों बार बधाई लोगों, बधाई हो, तुम लाए हो कि नहीं लाए, पर हमारे पास पर्याप्त है। हम ब्रजवासी देना जानते, लेना कम जानते। बुलबा के बिहारी लाल की जय हो, लाखों बार बधाई लोगों, अरे सौ सौ बार बधाई। देखो व्यवस्था बिगड़ ना जाए, ध्यान रखिए। अब एक काम करो, जिसके भाग में उसको मिल जाएगी, भगदड़ मत मचा जा रही, ये काम ठीक नहीं है। हम कहते हैं आप बैठ जाओ, बहुत बढ़िया रहेगा, जिसके भाग में बैठे, खड़े नहीं बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कितने अच्छे भक्त है, देखो कितने भगवान के लिए। बैठ जाओ बच्चों, उठेगा कोई नहीं, क्योंकि हम भगदड़ से बहुत डरते हैं। हाँ गा दो भैया एक बधाई। जय हो, लाखों बार बधाई लोगों,
लोगों लाख बार बधाए नंदी जी के नंदी जी के नंदी जी के अंगना में बज रही आज बधाए नंदी जी के अंगना में बज रही आज बधाए यशोदा के अंगना में बज रही आज बधाई यशोदा के अंगना में बज रही आज बधाए अंगना में बज रही आज बधाई नंदन के अंगना में बज रही आज बधाई बज रही आज बधाई लोगों सौ सौ बार बधाई लोगों लाख बार बधाई झुके यशोदा के कन्हैया के अंगना में बज रही आज बधाई यशोदा के अंगना में बज रही आज बधाई नंदलाला प्रगट भय आज जय हो ओ नंदलाला प्रगट भय आज छतरपुर में लड़ुआ ओ नंदलाला प्रगट भय आज बिरज में लड़ुआ ओ नंदलाला प्रगट भय आज छतरपुर में लड़ुआ नंदलाला प्रगट भय आज बिरज बटे नंदलाला प्रगट भए आज बिरज में लड़ुआ बटे लड़ुआ बटे सखी पेड़ा बटे लड़ुआ बटे है हाँ पेड़ा बटे एगो पाला प्रगट भए आज बिरज में लड़ुआ बटे ओ नंदलाला प्रगट भए आज बिरज में लड़ुआ बटे सोमन दूध की खीर बनाई सोमन दूध की खीर बनाई बनाई सखी खीर बनाई खीर बनाई सखी खीर बनाई मेवा मिठाई और मलाई मेवा मिठाई और मलाई प्रगट भए आज बिरज में लड़ुआ बटे बलवंशी वाले की ये तो टेलर है फिल्म तो कल से चलेगी बलवा के बिहारी लाल की जय अब आनंद आ गया तो कल से जो है आनंद की वर्षा होनी है कल की कथा की सूचना सुन लें आप लोग कल कथा में भगवान की बाल लीला माखन चोरी लीला और छप्पन भोग के दर्शन होंगे गोवर्धन लीला तक कथा पहुंचेगी अब आरती का दर्शन करें और शेष बधाई काउंटर पर मिलेगी आपको सभी को सभी भक्तों से अनुरोध है बैठ जाओ और गोपाल जी की आरती हो जाए बालकृष्ण लाल की आरती के उपरांत ही सब लोग प्रसाद लेकर के गंतव्य को जाएंगे बिल्कुल शांति बना रखे माताओं से अनुरोध थोड़ी सी दूरी बना ले स्टेज से
हेलो और आप सभी भक्त, ये कथा का जो प्रसारण चल रहा है वो यूट्यूब और फेसबुक पर आप देख सकते हैं। नरेंद्र मोहन तिवारी जी आप सर्च करेंगे और महाराज श्री के श्रीमुख से कथा का रसपान कर पाएंगे। नंदिनी गोपाल सेवा संस्थान, ये आप सर्च करके और इस प्रसारण को देख सकते हैं। आरती के बाद जय श्री राधे। बिल्कुल कोई शांति बनाए रखें और आप लोग बड़ा भागी हैं जो इतनी देर से शांति बनाए रखें। और जिस भी माँ बहन की ये चाबी हो मेरे पास आ चुकी है, वो ले जाए यहाँ से, अपने घर की चाबी है। हेलो, ये वार्ड मेंबर है, वार्ड मेंबर, वार्ड मेंबर कहेंगे। क्या नाम आप भैया? राम प्रसन्न शर्मा जी। लो साहब, जय हो। मुलगोपाल जी महाराज की जय हो। आइए ठाकुर जी की आरती करें। चाबी इसकी ओर ले ले। आरती बाल किसने कीजे, आरती बाल किसने की, ओ आरती बाल किसने कीजे, अपनो जन्म सफल कर ली, अपनो जन्म सफल कर लीजे, श्री यशोदा को परम दुलारो, परम दुलारो, बाबा की आँखनी को तारो, बाबा की आँखनी को तारो, इन पे प्राण निछावर कीजे, ओ आरस बाल कृष्ण की। प्रम मुदित मन लेत बलैया, यह छवि नैनो में भर लीजे, ओ आरती बाल कृष्ण की कीजे। अपनो सर बस इनको दीजे, ओ आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आ
तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव तुमेव वीर्या द्रवणम तुमेव तुमेव सर्वम देव देव अच्युत केशव ब्रह्म नारायणम कृष्ण दामोदर वासुदेव हरे माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायकम रामचंद्र भजे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे जनेन शीतलीकरणम मंत्रे पुष्पांजलिः ओम देवो शांतिरंतरिक्षम शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांति सामा शांतिरेधि हरि ओम।